जस जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर शिउर लाए रघुपति किन्ही बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस्र बदन तुमरो यश गावे अस कै श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कै सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव किन्हा राम मिलाए राजपद दिन्हा तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्री का मिलि मुख माही जल दिलांगी गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संहारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त का और देवता चितन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट हरे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महा सुख हो जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा
तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय माडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप सियावर रामचंद्र की। हरि ओम कारुण्यामृतवर्षणं चिदघनं तापत्रयाणांतकं ध्वान्ताज्ञानमपोहनं कलियुगे धर्मांनाय प्रवर्तकम् वंदे बोधविचक्षणं यतिवरं नैमिषारण्यनन्दनं श्रीनारदानन्दसरस्वतीं सद्गुरुं शान्तस्वरूपं शिवं श्रीनारायणसमारंभां शंकराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु नारायण पादुकाभ्यः अज्ञान गाढ़ांधतमो पहाभ्याम विवेक विद्या विनय प्रदाभ्याम विश्वेश तत्व प्रतिबोधिकाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम अनंत शोभा समलंकृताभ्याम असीम पुण्य प्रचय प्रदाभ्याम दुर्वासनोन्मूलं तत्पराभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां कामादिसर्पव्रजगारुडाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां बोधप्रदाभ्यां द्रुतमोक्षदाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां अनंत संसार समुद्र तारा नौकायिताभ्याम स्थिर पादुकाभ्याम नौकायिताभ्याम स्थिर अनंत संसार समुद्र तारा नौकायिताभ्याम स्थिर ज्ञानदाभ्याम अज्ञान गाढ़ांधतमोपहाभ्याम विवेक विद्या विनय प्रदाभ्याम विश्वेश तत्व प्रतिबोधिकाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम हौत्राग्निहोताग्नि हविष्य होत्री होमादि सर्वाकृति भासमानम् यद् ब्रह्म तद् बोध वितारणेभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम
राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, नैमिषारण्य तीर्थ की जय, 88,000 ऋषियों की जय, राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी ललिता अम्बा की जय हो, पूज्य श्री चरण गुरुदेव भगवान की जय हो। नैमिषारण्य की इस पावन धरती पर जहां पुराणों का प्रथम प्रवचन सूत जी महाराज के द्वारा 88,000 शौनकादिक ऋषियों को सुनाया गया, जो ऋषियों की पवित्र धरती है, मैं स्वामी नारदानंद आश्रम की ओर से, ऋषियों की परंपरा की ओर से बापू का अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। हम आप सब लोग श्रोता भाव से बापू के इस महारास में सम्मिलित हैं और गोपिका गीत का आनंद ले रहे हैं। बड़े अच्छे अच्छे प्रसंग बापू अपनी मस्ती में झूम करके सुनाते हैं, तो मैं तो एकटक देखता ही रह जाता हूँ। उस परब्रह्म परमेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पुरुष योग योगेश्वर भगवान कृष्ण का महारास इस धराधाम पर हुआ, यह हम पुराणों के माध्यम से जानते हैं, लेकिन इस नैमिषारण्य की धरती पर भी एक महारास है। इतना अपार जन समूह इस महारास में सम्मिलित है गोपी भाव से। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के प्रश्नों का समाधान करते हुए बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई। आज जनमानस के चित्त में भाव आता है, और परीक्षित ने पहले भी इस प्रश्न का प्रतिपादन किया सुखदेव जी के समक्ष कि हे प्रभो, भगवान का अवतार मर्यादा की रक्षा के लिए होता है, लेकिन इस प्रकार से रास विहार यह कहां तक मर्यादित है, यह बात हमको आप समझाइए। यह प्रश्न जिज्ञासा का प्रश्न है, और सच तो यह है कि पुरुष के चित्त में प्रेम को समझने के लिए स्त्री भाव के अतिरिक्त और कोई भाव समीचीन नहीं होता है, और स्त्री के चित्त में प्रेम को समझने के लिए पुरुष भाव के अतिरिक्त और कोई भाव समीचीन नहीं होता है। इसीलिए परब्रह्म परमात्मा को पुरुष भाव से और जीव को गोपी भाव से प्रतिपादित करके यह महारास का वर्णन सुखदेव जी महाराज ने किया और कहा, यद पाद पंकज परागन सेव तृप्ता, योग प्रभाव विधुता खिल कर्म बंधा, स्वैरम चरन्ति मुनयोपि न नहियमाना, तस्य क्षयात् वपुषः कुत एव बन्धः। हे राजन, जिस परमात्मा का भक्ति भाव से भजन करके पंकज पराग निषेव तृप्ता, भगवान के चरणारविंदों का मकरंद पान करके भक्तजन तृप्ता आत्यंतिक तृप्ति की अनुभूति कर लेते हैं, और योगी लोग जिस परमात्मा का ध्यान में भाव जगत में ध्यान करते करते समाधिस्त होकर के योग प्रभाव विदुथा किल कर्म बंधा, जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, और
तत्ववेत्ता जो मुनि लोग हैं, नहीं माना। जिस परमात्मा का विचार करते करते, बुद्धि से चिंतन करते करते एकाकार हो करके उस आत्म तत्व का अनुभव कर लेते हैं, वह परब्रह्म परमात्मा तस्येच्छयात् वपुषः, अपनी स्वेच्छा से जन कल्याण की भावना से और भक्तों को तृप्त करने के लिए धराधाम पर उनकी भावनाओं की रक्षा करने के लिए अवतार लेता है। भला उस अवतारी की क्रिया का क्या कहा जाए, वो लीला कही जाती है, और वह जो कुछ कर दे वही मर्यादा है। मर्यादा कोई और नहीं है, भगवान की हर लीला ही मर्यादा है यदि भाव जगत में देखा जाए। और उस भाव जगत की लीलाओं का आनंद लेने वाली गोपियाँ का उसी प्रकार से हैं, स्वच्छंद विहार करने वाली जो स्वच्छंद प्रेमी की स्थिति होती है, वैधी भक्ति से परे की बात होती है, जिसको समझा जा सकता है कि संसार में पार करने के लिए, नदी को पार करने के लिए नौका की आवश्यकता होती है, विधि विधान की आवश्यकता होती है। लेकिन नदी पार करने के बाद जैसे व्यक्ति नौका को छोड़ देता है और परे चला जाता है, उसी प्रकार से आत्यंतिक अनुभूति के बाद व्यक्ति मर्यादाओं के परे हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि नाव के रखरखाव की भी व्यवस्था कर लेते हैं, नाव से पार होने के बाद भी नाव के रखरखाव की व्यवस्था कर लेते हैं, वही आचार्य कहलाते हैं। कि भाई इसी नाव से हम पार हुए हैं और ये नाव सुरक्षित है, आप भी चढ़ करके पार हो जाओ। और कुछ ऐसे होते हैं नाव को छोड़ करके पार हो जाते हैं, तो नाव को छोड़कर पार करने वाले वो वैधी भक्ति से परे होते हैं, उन भक्तों में गोपियाँ हैं। अब हम बापू के श्रोता के रूप में बापू की कथा का आनंद लेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। वसुदेव सुतम कंस चाणूर्मर्दनं देवहि परमानन्दं कृष्णं वन्दे God.
द्वैपाय
उत्रे तरबो इस पावन धरती पर ऋषियों की, पुराणों की, तपस्या की, त्याग की, स्वाध्याय की, श्रवण की, कथादान की इस भूमि पर मानस गोपी गीत में उपस्थित पूज्यपाद महाराज श्री, अन्य सभी संत वृंद, विद्वत वर्ग, आप सभी मेरे भाई बहन और अपने घरों में सुनने वाले सभी श्रोता भाई बहनों को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। मानस गोपी गीत जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, विरह में प्रेम की शिक्षा हुआ करती है, विरह में ही प्रेम की परीक्षा होती है, विरह में ही प्रेम दीक्षित होता है, प्रेम की दीक्षा होती है। आज इस बिंदु पर हम जरा गहराई से सुनिएगा, गंभीरता से सुनिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इन सूत्रात्मक बातों को जितना उसका सरलीकरण किया जाए मैं कोशिश करूंगा। फिर भी मैं ये भी तो चाहूँगा कि आप इतनी इतनी कथाएँ सुन चुके हैं, कई महापुरुषों को सुन चुके हैं, इसलिए सभी श्रोताओं में सुनते सुनते अब वो बचपना तो मिटा होगा, थोड़ा बचपना आया होगा, यानी पाकटता, प्रौढ़ता। इसलिए जरा गौर से सुनिएगा, एक बार फिर इस श्लोक का गान करें, फिर उस बिंदु की ओर हम आगे बढ़ें। पति सुतान योषिता
तो प्रेम है शिक्षा, विरह में प्रेम की शिक्षा होती है। परीक्षा की भी कल हमने चर्चा की कि किससे प्रेम करें, किसके पास बैठें, और ये सब हो गया तो जिसके पास हमें बैठने का वरदान प्राप्त हुआ इससे क्या चाहे। और फिर हम कहीं वहम और विश्वास के बीच में भटकते तो नहीं। यही है दीक्षा कि अच्युत के पास स्थिर हो जाना। विश्वास की अटलता अचलता यही तो अच्युतता है। बार बार खंडित हो वो तो वहम का काम है। ये चर्चा भी हमने कल की। अब दीक्षा, विरह में बाप प्रेम की दीक्षा होती है। पहले तो दीक्षा माने क्या? आप मेरे जो रामकथा के श्रोता हैं सभी जानते हैं कि जब जब मुझे व्यासपीठ पर पूछा गया कि दीक्षा का मतलब क्या, तब मैंने कहा कि दीक्षा मानी किसी को जानने के लिए दिशा प्रदान करना। इसलिए मैंने बहुत बार कहा कि कई लोग कहते हैं आप दीक्षा देते हैं, हमने कहा हम कोई दीक्षा नहीं देते। दीक्षा तो आचार्य लोग, महापुरुष लोग, जो जो इनके अधिकारी हैं वो देते हैं, हम तो दिशा देते हैं। मेरी समझ में दिशा ही दीक्षा है। अब यहां जो दीक्षा का भाव है मेरी समझ में, बीच बीच में आचार्यों को भी याद करूंगा जो संतों ने, आचार्यों ने जो प्रसादी दी है, लेकिन आप जरा ध्यान चाहूंगा आप सबका। दीक्षा का अर्थ यहां है ईश्वर परमात्मा भगवान सर्वज्ञ सर्वसमर्थ जो ईश्वर है, कर्तुम अन्यथा कर्तुम, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, सब में जो समर्थ है वो तो सबकी गति जानता है। जिसको हम परमात्मा कहते हैं, या तो आप जो नाम से बुलाओ मुझे कोई आपत्ति नहीं, ईश्वर कहो राम कहो, अरे इस्लाम धर्म वाले भाई बहन रहीम कहे तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जिसको जो रास आए कहो। मैं तो हरी बोल के साथ कभी अली बोल अली बोले बोलता रहता हूँ, क्या आपत्ति है, हरी वही है। तो आपकी मानसिकता में हरि का जो स्वरूप है आपको मुबारक, आप उसमें स्वतंत्र हैं इस निर्णय में, क्योंकि भगवान और धर्म पसंद करने की दरेक व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए। गुजराती शायर हमारे शोभित देसाई का एक शेर है गुजराती में, लेकिन उसका हिंदी करके मैं आपको फिर उसका स्पष्टीकरण करूंगा। बहुत प्यारा शेर, मैंने इस बार अहमदाबाद की कथा में उसका बहुत यूज किया, उपयोग किया, सदुपयोग किया, यूज किया जरा कहना जरा जरा बिलक ढंग में लोग बोलते हैं कि हमने उसका सदुपयोग किया। तो धागा गणतरीना कदी पण न पहरी है शोभित देसाई। शोभित देसाई यदि सुनते हो तो तवज्जो चाहूंगा। शोभित भैया ऐसा बोलते रहते हैं ना। धागा गणतरीना कदी पण न पहरी है मानवता मात्र आपणु यज्ञोपवीत हो। यज्ञोपवीत मानी जनेऊ, उपवीत, इसमें गिनती के धागे होते हैं ना, कुंवारा है तो 3 धागे, शादीशुदा है तो 6 धागे, फिर सन्यासी हो गया तो सिखा सूत्र सब गया ना? तो ये गिनती तो धार्मिक संस्कार के अनुकूल है, लेकिन इसके पीछे
धर्म वालों की कोई और गिनती नहीं होनी चाहिए, धर्म धंधा न बन जाए तो गिनती हो गई। अब मैं कहता रहता हूं कि वो दरबारों के बेटे, यहां तो नहीं क्या ना, जो खेल रहे थे कुछ क्षत्रियों के लड़के, तो एक गधे को धक्का दिया और गधा खाई में गिरा और मर गया। तो चौरे पर, देहात छोटा सा चौरे पर सब बैठे थे और ये सब लड़के आए और एक ने कहा, तो वहां धर्म पुरुष एक बैठे थे गौर बापा, उसको कहा, बापा ये लड़कों ने गधे को धक्का दिया, गधा खीण में गिरा, मर गया, क्या हुआ? तो वो जो धर्म पुरुष थे वो कहने लगे, बहुत बुरा हुआ, बड़ा अकाल होगा, भूचाल आएगा, क्या बाकी है, ये होगा गधे को मारना, हा हा, अरे राम राम राम, शांतम पापम शांतम पापम, अरे क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, अरे बाबा आप इतने वो हो जाएंगे तो गांव का क्या होगा, कोई उपाय, गधा मरा, एक ही उपाय, जो गधा मरा उसके वजन का सोने का गधा बना करके ब्राह्मण को दान में दे दो। गधे के वजन का सोने का गधा बनाना, विश्व बैंक से उधार ले तो हो, वर्ल्ड बैंक से ले तो हो, कैसे हो? अरे बाबा इतना बोले नहीं, ये तो जो शास्त्र विधान है साहब, हाँ शास्त्र में चू चा नहीं हो सकता। अरे कुछ राहत कर दी जाए, तो बोले चलो 1 किलो सोने का गधा बनाओ, तुम्हारा हमारा संबंध है ना, मैं वहां कह दूंगा कि चला लो ले। अब ये चर्चा चल रही, सौदा हो रहा था, इतने में एक क्षत्रिय के बेटे ने कहा कि परम पूज्य, एक गधे को धक्का देने में आपका बेटा भी था, मेरा बेटा था, ओहो तो गधे का मोक्ष हो गया, आप पूछ करने की जरूरत, मुक्ति हो गई, निर्वाण हो गया, प्राप्ति हो गई, परम में मिल गया, लह नदियां सागर में मिल गई, लह ऐसा अर्थ घटन स्वार्थ हेतु कर लेना, वो यज्ञोपवीत के गिनती के धागे हैं, वो धंधा हो जाता है, धर्म समाप्त। इसलिए शोभित देसाई कहते हैं, मानवता मात्र अपनु यज्ञोपवीत हो, मानवता ही जिसकी यज्ञोपवीत है, मानवता ही जिसकी जनेऊ है, वो सच्चा धर्मनिष्ठ पुरुष है। धागा गणतरीना कदी पण न पहरिए, मानवता मात्र आपणु यज्ञोपवीत होय। इच्छु एवी दुनिया, इच्छु छु एवी दुनिया के ज्यां अवतरता जीव ने धर्मो पसंद करवानी रमणीय रीत हो। मैं ऐसी दुनिया चाहता हूं कि जहां जो भी बच्चा पैदा हो उसको अपना धर्म और अपना इष्ट पसंद करने की स्वतंत्र खूबसूरत रीत दी जाए। यही कंठी पहन लो, यही कर लो, यही नहीं, धर्म और इष्ट, इष्ट का नाम, उसकी रमणीय रीत होनी चाहिए और अपने गुरु से वो दीक्षित कराई जाए, सदगुरु से उसको दीक्षित कराए। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप कौन नाम दो कोई मुश्किल नहीं है, राम कहो, रहीम कहो, हरि कहो, जो कहना चाहो। एकम सद्विप्रा गंधर्वराज गला खोल कर गा रहा है महिमना स्तोत्र में, गंधर्वराज ने कहा है, वसुपति मदन
वैचित्र के कारण प्रभिन्न प्रस्थाने, भिन्न भिन्न सबकी गति है साहब, लेकिन नदियां एक ही समंदर में जाती हैं, वैसे कोई भी। तो आप ईश्वर कहो, राम कहो, कृष्ण, जो आप नाम देना चाहो, तो ईश्वर जो है वो हमारी गति जानता है। ये तो पक्की बात है ना कि ईश्वर हम सबकी गति जानता है। वो तो परमात्मा है, हम सबकी गति वो जानता है। लेकिन दीक्षा का मेरा मतलब है किसी सदगुरु की कृपा से थोड़ी कुछ उनकी गति जानी जाए, उसका नाम दीक्षा है। गोपीजन क्या कहते हैं कि हे गोविंद, हम आपकी गति जानते हैं, आपके संकेत को, आपके इशारे को, आपकी हालचाल को, आप जो भी चेष्टा करते हैं इनमें हम आपकी गति को जानते हैं। परमात्मा हमारी गति जाने, वो सार्वभौम है, लेकिन जीव परमात्मा की कुछ गति जाने किसी की कृपा से, उसको कहते हैं दीक्षा। आपकी गति हमें विदित है, गोपी कहती है। देखिए, मैंने कल निवेदन किया था कि गोपी भी वैसे तो आखिर में तो सो जाना ही जही देखो, वो जनाना चाहे वो ही जान पाता है, फिर भी कोई कोई लोग जानते हैं, गोपिकाएं जानती। कल मैंने, आज बहुत से प्रश्न भी आ गए कि बापू कल आपने छेड़ा था मिथुन राशि वाले भगवान को, कह इनमें क वाले हो, छ वाले नहीं, छगन मगन न जाने, क छ घ, घ तो ढ से घर में बैठे वाला नहीं जानेगा, जो निकल चुका है दुनियादारी से थोड़े बाहर आवा दे तो क जानता। इसका मतलब जिसमें क अक्षर नहीं वो नहीं जानता, ऐसा भी मत समझना साहब। हरि को काबा जानता है और काशी जानता है, दोनों में क है। असल में जो काबे को समझेगा वो हरि को जानेगा, असल में काबे को समझेगा वो। और काशी निवासी जानते हैं, हाँ जानते होंगे, लेकिन जो काशी आनंद नगरी है, आनंद कानन है, वो काशी तो अवश्य जानती है। अथवा तो काशी में कुछ जो आचार्य हुए हैं
कृष्णम पर कृष्णात् परम तत्वमहम न जाने मधुसूदन काशी के महापुरुष है। काशी वाला महादेव जानता है भगवान की गति को, हाँ सबकी गति जानता है। तो मेरा मतलब यह थे कि जहां क अक्षर है इसका अर्थ ये नहीं कि और अक्षर वाले नहीं जानते, ऐसा कोई नहीं समझो। कौनते ये जानता है कृष्ण, कौनते में दोनों आ गया, कौनते मानी अर्जुन और कौनते मानी कल की चर्चा का जो स्मरण करूं तो कर्ण, कर्ण भी कौनते, छठा कौनते कर्ण है, कर्ण के प्रति व्यासपीठ का पक्षपात है सर, आदमी वर्णन करने जैसा। बाबा जी आप तो जानते हैं सब महापुरुष लोग, व्यास जी कर्ण को महाभारत में महात्मा कहते हैं, महात्मा कर्ण। आप ये मेरे निवेदन में इस भूमि के बादशाह का निवेदन है, व्यास नारायण कहते। कई लोगों ने कर्ण को महात्मा कहा है, ये महात्मा है। सोलहवे 17 दिन का युद्ध पूरा हुआ ना, फिर दुर्योधन जरा उदास है, गमगीन है अपनी शिविर में, और कर्ण उसको मिलने जाता है। कुरुराज आप क्यों उदास है? बोले मित्र तू देखता तो है कि मैं चाहता था क्या और क्या हो रहा है। द्रोण और भीष्म, वात्सल्य और शिष्य प्रीति के कारण जमकर नहीं लड़े। भीष्म को वात्सल्य आड़ में आता है और शिष्य प्रीति द्रोण को बीच में आती है, ठीक से नहीं लड़ रहे लोग हैं तो हमारे पक्ष में लेकिन दिल लगाकर नहीं लड़ रहे। चाहते क्या? मैं चाहता हूं आपको मेरी सेना का अब सेनापति नियुक्त कर दिया जाए। महाभारत अद्भुत है। कर्ण कहता है मैं सेनापति होने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक बात दुर्योधन समझ लेना, क्या कि मैं अर्जुन को हर रीत से पराजित कर सकता हूं, लेकिन अर्जुन के पास 5 वस्तु हैं वो मेरे पास नहीं है, इतना मैं जानता। क्या है अर्जुन के पास? 1, इनका धनुष गांडीव महान है ऐसा मैं नहीं मानता, गांडीव का तो शेरडी ना हाठा नहीं जम टुकड़ा करी ना को, कातली कातली तोड़ी ना को, गन्ने के दंड की तरह तोड़ डालूंगा। गांडीव बेचारा क्या है? तो फिर तू किस बात की सराहना करता? कर्ण बोल रहा है देखो इस गांडीव धनुष की जो पणच है वो दिव्य है, और धनुष कितना ही महान हो वो इनकी पणच यदि दिव्य नहीं तो शस्त्रधारी कहां शरसंधान कर सकेगा, और वो भी अदिव्य नहीं है दिव्य है जो मेरे पास नहीं है। कर दूसरा कहता है अर्जुन का जो निशंग है बाथा है वो अक्षय है, इनमें से तीर कभी खत्म नहीं होते, मेरा निशंग मेरा तर्कस अक्षय नहीं है क्षयी है, घटता जाता है। और ये पणच मानी हमारे अर्थ में क्या? यदि मेरी व्यासपीठ मेरी निगाहों से इस पणच को देखे तो आपने धनुषधारियों को देखा होगा वो प्रत्यंचा को खींच कर टाइट बांधता है, चित्त की डोर जिसकी हरि के साथ इसे खींच के बांधी हुई है वो आदमी विजय होता है। पतंजलि भगवान तो
योगश्चित्त वृत्ति निरोधः कहते हैं। दिव्य है चित्त उसका, कबूल करता है आदमी बाधा। फिर मुझे रामचरितमानस में जाना पड़ेगा तर्कस की व्याख्या कर। अचल अमल मन त्रोण समाना समझ तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के लंका कांड में धर्मरथ प्रकरण में कहा है कि अचल यानी स्थिर और निर्मल मन ही बात है। इसका मतलब यह हुआ कि कर्ण कबूल करता है कि इस आदमी का मन निर्मल है, जिसका मन निर्मल होता है ना, इनके बाथे से शास्त्र कभी खूटते नहीं। वहां शस्त्र निकलते रहते हैं, यहां शास्त्र निकलते रहते हैं। जिसका मन निर्मल हो, मन जिसका स्थिर है। अर्जुन ने कहा था कि मेरा मन स्थिर नहीं है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बल। फिर उपाय बताया कि अभ्यास योग से तू ये सब कर। और आखिर में मन स्थिर की बात आती, स्थितोस्मि अचल अमल मन। अब मेरे मन में कोई बात नहीं, अब मेरा मन स्थिर है। करिष्ये वचनं तव। अर्जुन के पास दिव्य पणच है, अर्जुन के पास अक्षय भाथा है, दुर्योधन सुन रहा कर्ण। और जो सत्य हो वे कहना चाहूंगा, दुर्योधन बुरा मत लगाना मेरे पक्ष में यानी मेरे में, बाकी हर प्रकार से अर्जुन को मैं हरा सकता हूं। अर्जुन के पास जो रथ है ना वो दिव्य है। महाभारत युद्ध के समापन में कृष्ण ने कहा था अर्जुन को कि रथ से कूद कर नीचे उतर जा। अरे पहले गाड़ी से ड्राइवर को उतरना चाहिए, फिर सेठ उतरेगा, पहले सेठ बैठेगा फिर ड्राइवर बैठेगा। और कृष्ण को, कृष्ण ने कहा अब सारथी बारथी पना भूली जाओ, तो नाटक था, तूने हुकम बुकम कर दिए, मैंने रथ चला दिया, उतर। अरे बोले महाराज, बोले आप बकबक मत कर, उतर, पहले तुम उतर फिर मैं उतर गया। फिर कृष्ण उतर के बागडोर ऐसे फेंकते हैं और उसी समय पूरा रथ जलकर भस्म हो जाता है। महाराज ये क्या है? बोले भीष्म द्रोण कृप अश्वत्थामा, इन सब लोगों के अग्नि बाण से ये तेरा रथ कब का जल चुका था, ये तो बेटा मैं बैठा था इसीलिए रहा। भूलना मत, यतो धर्मस ततो जय। महाभारत में उसकी पुनरुक्तियां होती रहती है। तू कब का जल गया होता, तेरा रथ मेरे कारण दिव्य है। जिसके जीवन का वाहन दिव्य हो, जिसका रथ, रामचरितमानस की भाषा में कहूं तो जिसका रथ धर्म रथ हो, सखा धर्म मय असर रथ जाके। गोस्वामी जी कहते महा अजय संसार रिपु जीत सके सो, पणच दिव्य। जिसके चित्त की डोरी दिव्य होगी, जिसके चित्त में किसी के प्रति बुरा चिंतन नहीं होगा, वो दुनिया को जीत लेगा साहब, विजयी होगा। और जिसका मन निर्मल और अचल होगा, रथ जिसका धर्म रथ है, धर्म जिसकी गति है। चौथा कर्ण कहता है
अर्जुन के रथ के जो घोड़े हैं ये मन की तरह वेगवान है, जो मेरे मन मनोवेगी अश्व है। मन की जितनी गति होती है इतनी गति से ये अश्व गति कर सकते हैं, वो कृष्ण के अर्जुन के पक्ष में जमा पक्ष है। और दुर्योधन सबसे उत्तम चीज अर्जुन के पास वो है, कृष्ण उसका सारथी। बाकी तो अर्जुन क्या। और बात बात ठीक है, कुंती को कहा था कर्ण ने कि मैं मारूंगा तो अर्जुन को मारूंगा या इन चारों को नहीं मारूंगा। युधिष्ठिर तो युद्ध में निकला था, कहा जा जा ब्राह्मण, जा ब्राह्मण, ब्राह्मण हो क्षत्रिय, ऐसे तो ताना मारता है जासी, ब्राह्मण हो। युधिष्ठिर को ब्राह्मण कहा है, गायत्री जप कर युद्ध में आया है, शस्त्र तेरे हाथ में शोभा नहीं देता, शास्त्र लेकर रट तोता रटन, ऐसा बोला, ब्राह्मण कहा। नकुल को भी लड़े हैं सबसे कर्ण, लेकिन कुंता को वचन दिया है मां मैं नहीं मारूंगा, युद्ध करूंगा तो मारूंगा तो उसके, लेकिन मैं उनको नहीं मार पाऊंगा दुर्योधन, पांच वस्तु मुझ में कम पड़ रही है। तो बोले रथ पणच अचल अमल त्रोण हो तो दुर्योधन के बस में ही नहीं, मन शुद्ध रखना हो तो उनके काबू की बात नहीं। तो कहा कि मन समान वेग, कर्ण ही कहता है एक उपाय है, मेरे रथ का सारथी शल्य को बना दे, अश्व विद्या में पारंगत, चिकित्सा विद्या में, क्योंकि हमारे पुरातन युद्ध संविधानों में अश्व विद्या में ही सारथी पारंगत नहीं होना, चिकित्सा विद्यालय में भी सारथी पारंगत होना, क्योंकि रथी गिरे उसको कोई व्रण हो तो तुरंत औषधि भी देने वाला वो ही सारथी होता, चिकित्सा विद्या। स्वयं शैल्य एक बार महाभारत में बोला है कि चिकित्सा विद्या विद्या में मैं इंद्र का भी सारथ्य करने में समर्थ हूं, ऐसा बोला, इंद्र का रथ चला सकता हूं चिकित्सा विद्या। महाभारत समस्त विद्याओं का भंडार है साहब, कभी खोल के तो देखो। अब लोग तो क्या है महाभारत रखने में डरते। मैं बोरीवली में कथा कर रहा था, सालों बीत गई, जमाने गुजर गए बंबई में, तो फिर शाम को दो समय कथा करता था, फिर रात को पधरामणी में जाता था, कोई यहां बुलाए कोई यहां बुलाए कोई यहां बुलाए जाता था। तो एक जगह गया तो एक परिवार ने महाभारत अच्छे कपड़े में लपेट कर हमको दे दिया, हमने कहा हमारे पास है, बोले नहीं बाबा आप ले जाओ। मैंने कहा क्यों, कि वो सब कहते हैं कि महाभारत जिसके घर में हो उनके घर में महाभारत हुआ करता है, इसका मतलब है कि तुम्हारे घर में जो हो हम बचे इससे छुट। भारतीयों को तो शस्त्र से भी नहीं डरना चाहिए, शास्त्र से क्यों डरते। हिंदुस्तानी तो वो है साहब जो शस्त्र से भी न डरे। याद करो भगत सिंह को, राजगुरु को याद करो, इन आजादी के परवानों को याद करो जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया है। वो समय पर है। शस्त्र से क्यों डर है। लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी आप बार बार कुठार दिखाते हैं तो आप ये समझते हैं कि यहां कोई कुंभड़बतिया है कि तर्जनी देखकर मुरझा जाएंगे। अब क्या क्या समझना क्या चाहते हैं, अब क्या कहना चाहते हैं। तो बात मैं आपसे ये निवेदन करने जा रहा था कि चिकित्सा में और शस्त्र
और सारथ्य में, सभी में, और खास तो सारथी का कर्तव्य ये माना जाता है कि सारथी की वाणी प्रोत्साहक होनी चाहिए। देखो नीति शास्त्रों में जहां युद्ध नीति की बातें आती हैं, बाबा जी आप तो सब जानते हैं, मेरा पक्का करने के लिए मैं बोल रहा हूं, जब युद्ध नीति की बात आती है वहां सेनापति जो भी हो, लगे कि बस अब हार के कगार पर खड़े हैं कि अब हारे, फिर भी सेनापति को युद्ध नीति कहते हैं कि कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हम हारे, अभी जीतेंगे, अभी जीतेंगे, जीतेंगे, सेनापति की यही भाषा युद्ध नीति। सेनापति गिरने पर हो तो भी उसकी बोली कायर की नहीं होनी चाहिए, जीतेंगे, हम मार देंगे अभी, ये नीति। और सारथी प्रोत्साहक होना चाहिए। तो महाभारत एक अद्भुत खजाना है साहब, जो महाभारत में नहीं वो कहीं भी नहीं, और संसार में जो मुझे अतिशयोक्ति नहीं लगती, हाँ इसमें जरा भी मुझे जरा भी अतिशयोक्ति नहीं लगती, संसार में जो है वो महाभारत में। और महाभारत इतनी यानी केवल भारत नहीं, उस समय का भारत, सब भारत ही था, तो फिर बाद में खंड खंड हो गए सब। तो बाप महाभारत से डरना मत, घर में रखना। लोग कहते हैं महाभारत पूरा न पढ़ा जाए वरना घर में होता है, तो घर में तो रोज होता है, महाभारत के कारण होता है, निकाल दो तो नहीं होगा, डबल होगा, नहीं होता है। महाभारत को क्यों इल्जाम लगाया गया, अद्भुत महाभारत, मुझे बहुत स्वतंत्र रूप में जब मानस को लेकर बोलना है तब बोलेंगे उसको। शल्य को मेरा सारथी बनाओ, और जब दुर्योधन ने शल्य को कहा कि आप अंगराज के सारथी बनो, शैल्य ने मना कर दिया, दासी पुत्र काम सारथी नहीं, वो मना कर दिया। इस आदमी को बार बार गाली खानी पड़ी है, दासी पुत्र ये गालियां बहुत खाई इस आदमी ने, लेकिन गाली की उस पर असर नहीं हुई, जरा जरा कभी कभी उखस जाता है, लेकिन इतनी असर नहीं हुई, आदमी जगत को जला सकता था, इसलिए शायद उसको महात्मा कहा है कि तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्ट, गालियां बहुत सारी। तो शैल्य ने पहले तो ना की, मना किया, तो दुर्योधन ने शैल्य को कहा कि अरे जिसके रथ का कृष्ण सारथी, उनके सामने तुम सारथी बनकर तेरा इतिहास में नाम अंकित हो जाएगा प्यारे। लेकिन वो बात ठीक है, मैं कहूँ, लेकिन मैं, मेरी बोली पर कोई रोक टोक नहीं, मैं कुछ भी बोलूँ, हतोत्साह करना करता रहता है कर्ण, कोई आदमी उत्साह भंग कर देता है, शुरुआत में बोला। कर्ण आप जाओ सेनापति पद स्वीकार, दुर्योधन कहता है महात्मा एव राजेंद्र, दुर्योधन ने महात्मा कहा कर्ण को, महात्मा एव राजेंद्र राम शिष्य प्रतापवान, परशुराम का चेला है राम शिष्य और प्रताप, सन सन रुवाड़ा बैठा थे गया कर्ण ना, जितने रोंगटे थे खड़े हो गए, आंखों में काल भभूक रहा था, किसी समय यदि मुझे दे तो पूरे विश्व को निगल जाऊं। जब कहा ना, जब गुरु का नाम आता है तो किसको आनंद नहीं होगा, राम शिष्य ये परशुराम का चेला है, रोंगटे खड़े प्रतापवान, महात्मा शब्द उनके लिए यूज हुआ। श्लोक तो मैं भूल गया, बहुत पहले पढ़ा, ये सब स्मृति में आ रहा, मैंने 3 बार पूरे महाभारत का आवर्तन किया, 3 बार पढ़ा।
क्रमशः जब मौका मिला पूरा मारा बार 3 बार उसकी रोटी, तो उस समय याद रह जाता था ना, उस समय बुद्धि भी तो उस समय याद रहता था, हाथे तो बुद्धि नाठे, ये गुजराती लोगों के हजी गई नहीं। लेकिन मुझे स्मरण जरूर है, श्लोक याद नहीं है बाबा जी, शैल जब बागडोर थामता है इस मुद्दे पर कि कृष्ण के सामने मेरा सारथ्य, कारण कौंते का जो होना हो लेकिन कृष्ण और शैल आमने सामने, ये भी तो गौरव है ना। अब दो पंडितों का शास्त्रार्थ होता है तो एक पंडित हारने को बिल्कुल निश्चित है कि मेरा हार, लेकिन उनके साथ शास्त्रार्थ हो रहा है साहब। तो उसका एक गौरव होता है। मैं महाभारत को जिस तरह देखता हूं तो उसमें शैल ने शुरू में प्रोत्साहक शब्द कहे, और मुझे एक शब्द, इसलिए मैं इसमें फिर चला गया, एक शब्द आता है हे निष्पाप कर्ण, आहा सलाम हो सारथी ने, जैसे कृष्ण कहता है ना अनघ अनघ, अर्जुन को अनघ 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 कहते हैं कृष्ण, ये सारथी ने अपने सेनापति को निष्पाप कहा, ए निष्पाप कर आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अर्थ कर्ण बहुत सावधान, जब भी कहता है मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरा पुरुषार्थ कुछ भी मेरे से करवा सकता है, लेकिन फल की नियति गोविंद के हाथ में। आदमी जानता है विदित विदिता में ऋषिकेश यतो धर्मोस्ततो जय। फिर तो युद्ध में वो जब जब होता है तो निरुत्साह कर देते हैं, वाह अर्जुन क्या बात है, अर्जुन कोई भी फेंकता है तो ये शैल उसकी सराहना करता, और सारथी सराहना करेगा सामने वाले पक्षी की तो ये निरुत्साह हो जाएगा, उत्साह गिरेगा। एक बात आपकी समझ में आए तो मैं विनती कर रहा हूं, कर्ण के बारे में मुझे एक निवेदन करना है और महाभारत को ठीक से समझ कर निवेदन करना। मैं बुद्ध विद्वज्जनों को, महात्माओं को, संतों को भी उनके चरणों में ये मेरी बात रखना चाहता हूं, आप अपने तराजू से तोलिएगा। कर्ण ने युद्ध मैदान में कभी अधर्म का आश्रय नहीं लिया, और मुझे कहने दो पांडवों ने युद्ध मैदान में अधर्म का आश्रय लिया, ये सत्य है साहब। कोई खेल नहीं किया इस आदमी ने, कोई छल नहीं किया युद्ध के मैदान में, हां राज्यसभा में, द्यूत सभा में, वस्त्राहरण में, इधर उधर उसकी बोली दिल को नापसंद है, मजबूर साहब के शब्दों में दिल को नापसंद, उस समय वो कुछ बोलता है, हाँ है ऐसी स्त्री को वस्त्र क्या है, ऐसा ऐसा जो गंदा बकवास कर गया है सभा में वो, लेकिन वो तो संगति का कारण है, रही न नीच मते चतुराई, इसलिए तो गीताकार कहते हैं निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या वृत्त कामा, संगते जति मेरा गोस्वामी जी, संगते जति कुमंत्रते राजा, गोस्वामी जी कहते हैं कितना ही बड़ा योगी क्यों न हो, जति सन्यासी क्यों न हो, लेकिन खराब संग हो तो यति का यतिंद्र पना मिट्टी में मिल सकता है, संगते जति। युद्ध के मैदान में साहब धर्म नहीं छोड़ा उसने, और पांडवों ने पग पग पर धर्म छोड़ा, कृष्ण के कहने पर चलो भाई
कृष्ण के कहने पर। अब द्रोणाचार्य का वो हाथी वाली बात आई, अश्वत्थामा मरा मरा मरा, तो ये सब किसकी ओर से हुआ बोल दो। दुर्योधन युधिष्ठिर को तैयार कर दिया गया, हाथी मरा, और मन में बोल देना हाथी, ये कोई मेरे दिमाग में नहीं आती है बात। उस काल में युद्ध नीति जैसी रही हो मुबारक, लेकिन न्याय तो नहीं हुआ। और भीष्म से वरदान मांग लेना, कह देना कि भाई आप ऐसा करना ऐसा करना, वो भी कहां युद्ध नीति रही। और कुंता ने कर्ण के पास से वरदान मांग लिया, वचन मांग लिया है, कहां युद्ध नीति रही। छल ही छल, और बेचारे का कवच कुंडल लेते समय भिखारी बनकर गए हैं लोग। भिक्षुक भी अच्छा होता है साहब। और जब कहा गया कर्ण कवच कुंडल दे रहे हैं जरा पहचानिएगा, बोले पहचान कर ही दे रहा हूं। पहचान नहीं, कर्ण में तीन वस्तु दिखाई देती है, दानी है, एक ज्ञानी है और अभिमानी है। तीन वस्तु इस आदमी में, ज्ञानी बहुत है, दानवीर भी इतना है, लेकिन कुसंग के कारण थोड़ा मानी भी है, स्वमानी है, क्योंकि बहुत गालियां पड़ी ना ऊपर, मानी है। ज्ञानी मानी और दानी का त्रिवेणी तीर्थ राज कर्ण है। ये कर्ण वाला जो ऊपर का है ना, कर्ण लिखो और ऊपर का यहां कृष्ण के नीचे लगा दो तो कृष्ण हो जाता है, इतना ही फर्क है। ऊपर से निकाल के यहां कर शव फाड़िया शव अदा निकाल दो तो कोई फर्क नहीं रहता साहब। कृष्ण ने भों भरे पड़त ऐसा सूर्यपुत्र साहब, धर्म से लड़ा। लेकिन युद्ध में हारा क्यों? अब यतो धर्मस्ततो जय, ये बात हो तो भी धर्म से लड़ा तो हारा क्यों? लड़ा धर्म से लेकिन अधर्म के लिए लड़ा इसलिए हारा। तुम लड़ो धार्मिकता से लेकिन अधर्म की विजय के लिए तुम लड़ो तो हारोगे ही हारोगे। और पांडव लोग अधर्म से लड़े लेकिन धर्म के लिए लड़े इसलिए जीत गए। ये लोग लड़े हैं अधर्म से लड़े, मुझे कोई आपत्ति नहीं कहने में, अश्वत्थामा प्रमाण है। और आखिर में तो जिसकी बात चल पड़ी उसका ही बेचारा पहिया निकाल रहा था रथ का, पर युद्ध नीति में निहत थे, पर हथियार उठाना युद्ध नीति का भंग माना जाता था। कर्ण पहिया निकाल रहा, और उस समय सारथी का कर्तव्य था रथी को मदद करे, लेकिन उस समय सारथी बदल बैठा, निरुत्साह शब्द बोलता है, हाँ आपको निकालना हो तो निकाल दो। और कर्ण नीचे उतरता है और उसी समय उसको असकुन होता है, पता लग गया कि नियंता की इच्छा कुछ और है, लेकिन लड़ा हूं धर्म से, अधर्म के लिए लड़ा इसलिए मार खा गया। और ये कोई कम अधर्म था? भगवान कृष्ण फिर अर्जुन को कहा अब उठा बाण। मुझे लगता है अर्जुन का बाण उठाना अर्जुन का पराजय है, हार गया और वो आदमी जीत गया। हाँ उसी समय उसने भले उसको, लेकिन कृष्ण ने कहा उठा, और अर्जुन ने कहा भी कि महाराज ऐसे नहीं आवे, ये बकवास बंद कर, ये सब कर, ये सब मेरे ऊपर छोड़, मैं जो कहूं सो किए जाते। क्योंकि कृष्ण आनंद पुरुष है, पूर्ण पुरुष है, कृष्ण में समग्रता है, इसलिए भगवान कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं। नमे कर्माणि, क्योंकि नमे कर्मस फले स्प्रिहा, मुझे कुछ लेना देना नहीं, इसलिए कृष्ण के लिए। लेकिन जिस ढंग से ये बातें चली है महाभारत में, वो तो कहां दिमाग में बैठती नहीं है मेरी। ये वक्त तो आपने नौता
इधर एक वक्त कृष्ण ने पूछा तो खरा, अर्जुन ने हाथ पकड़ गए हमारा ऊपर नाक बाण, कि मर्द ऊपर ऐसे बाण मत फेंकना, इसको शैल भी दबा रहा है और सब दबा रहा है साहब, और निहत्थे के ऊपर बाण फेंका था, कहां न्याय हुआ। सूत्र मुझे इतना ही कहना है, धर्म से लड़ो लेकिन अधर्म के लिए लड़ेंगे तो हारेंगे, अधर्म से कोई लड़ेगा लेकिन धर्म के लिए लड़ेगा तो जीतेगा। निर्णय महाभारत प्रत्येक वीरों पर छोड़ देता है। इसका मतलब यह नहीं कि कौरवों के पक्ष में छल नहीं, छल का तो भंडार है कौरव, उसने तो कोई कमी नहीं छोड़ी है कपट करने की, वो भी तो है। दुर्गा युद्ध में, सातवें कोठे के युद्ध में, अभिमन्यु के बारे में क्या कम उसने, और सबका डोरी संचार ये यशोदा के बेटे ने किया। ये आदमी बड़ा, इष्ट बनाना हो तो राम को बनाओ, बाकी मित्र बनाना हो तो गोविंद को बनाओ। इष्ट बनने योग्य राघव है साहब, हाँ बड़े साफ सुथरे बैठे हैं, लोकाभिरामम रण रंग धीरम राजीव नित, लेकिन मित्र बनाना है तो सखे इति मत्वा प्रसभम यदुक्तम। सख्य भक्ति केवल कृष्ण से ही ज्यादा फलवती होती है, गोपियों का कृष्ण से सख्य है, गोपों का कृष्ण से सख्य है। हाँ सभी भक्तियां हैं, शुल्क दासिका है, सब है, लेकिन मूलतः भक्ति सख्य की है, और सख्य कृष्ण के सिवा इतना सार्थक कहीं नहीं हो सकता। मित्र बनाना है तो गोविंद को बनाओ, हाँ तुम्हारे लिए घोड़ा बनेगा, श्री दामा के लिए घोड़ा बनता, हार गया एक दिन तो दामा ने कहा घोड़ा बन, तेरे बाप के पास ज्यादा गाय है इसलिए शरारत करता है, धोखा बन घोड़ा। अरे कहा भैया हार गए तो छोड़ो ना, छोड़ो कैसे, नंद बाबा के घर ज्यादा समर्थ का बेटा है इसलिए, तो श्री दामा के लिए घोड़ा बन। कृष्ण कहे मैं सारथी नहीं, तुम चाहो ना तो तुम्हारा घोड़ा बनने को तैयार, सारथी वाली बात छोड़ो साहब, अश्व बनूंगा। तो उसकी बात तो और है, फिर वही उत्तरा के गर्भ के समय, हाँ अद्भुत आदमी है, अद्भुत आदमी, वो तो वही कह सकता है ना कि मैंने कभी जीवन में अधर्म का आचरण न किया हो और मेरी जबान से कभी सत्य के सिवा कुछ भी न निकला हो तो ये बालक जीवित हो जाए। और बच्चा जीवित हुआ जो भागवत का प्रधान श्रोता बना, हाँ वो तो यही कह सकता, इतना इतना खेल करने वाला आदमी। इसलिए गोपी कहती है कितव योषिता ए कपटी, लेकिन प्रेम करने वाले कह भी सकते हैं, लेकिन प्रेम जिस प्रेम की चर्चा मैं करता हूं उसी दर्जे का प्रेम हो तो कॉर्नर की टिकट वाला प्रेम नहीं, कि वहां बैठे बैठे को गुप्तगु करे, बातें करे, गीत गाए और दूसरों को डिस्टर्ब करे, वो प्रेम की ये बातें नहीं है साहब, ये खुदा के मोहब्बत की बातें हैं, वो बात है। मोहब्बत तो मोहब्बत है और क्या करना, प्रेम करो दुनिया को, भजन भजन क्या कर सकोगे, योग साधना हो सकेगी, हाँ करोगे कुछ दिन अभ्यास करो तो फायदा होगा, ये योगी लोग महापुरुष लोग करेंगे सब अच्छे अच्छे। हमारे आजकल संसार में कितनी जीव को सुखी देने के लिए महात्मा लोग कितने अच्छे अच्छे प्रयोग करवा रहे, लेकिन कितना कितना हम कर सकेंगे, कितना होगा। आजकल ध्यान का बहुत चला है, दिला ध्यान 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 ध्यान, हम जिन धान खाओ नहीं बैठा बैठा तो ध्यान ये धान पर तू नहीं ध्यान, इसका ज्ञान ध्यान अद्भुत मार्ग के साथ, लेकिन तुम इंस्टेंट तुरंत ध्यान एक मिनट में ध्यान, हाँ ऋषि मुनि आपघात करेंगे, युगों तक जिन्होंने साधना की फिर कभी, और फिर भी थोड़ा ध्यान जगा तो भी
मुश्किल मेनकाओ रंभाओ तिलोत्तमाओ, इन लोगों का खतरा खड़ा ही रहता था साहेब। ध्यान ध्यान अद्भुत मार्ग है ध्यान। लेकिन बहुत जन्मों के अंत में कभी किसी को एक ज्ञान की उपलब्धि है, अच्छा मार्ग बहुत अच्छा है। ध्यान करना हो ना तो गोपी वाला करना, मैं आपको खास सिफारिश कर रहा हूं ये ध्यान करना, सुतीक्ष्ण वाला करना, मां जानकी वाला ध्यान करना जो अशोक वाटिका में उसने किया था, अद्भुत है। अब बौद्ध धर्म के बारे में आपने पढ़ा, बौद्ध धर्म ध्यान में मानते ही नहीं, मूल मूल देखो, क्योंकि बौद्ध धर्म कहता है कि चित्त को कहां भी लगाया फंसा। अब कहीं ध्यान में तो चित्त को लगाना पड़ता है ना, तो बौद्ध धर्म तो यह कहता है कि चित्त को जहां भी आपने लगाया वहां फंसे, क्योंकि शून्य है सब, बौद्ध कहते हैं। जोगी का नगर में ठिकाना क्या, साथ ही चलो अब कुछ करो इस शहर में दिल को लगाना क्या। मूलतः आदि बुद्ध जो लोग थे, आदि बुद्ध, बुद्ध के पहले भी कई बुद्ध हो चुके हैं, आदि बुद्ध जो हैं वो कहीं भी चित्त लगाने की मना करते हैं। लेकिन उसके बाद जो साधक बुद्ध आए उसने कहा आदि बुद्ध में ध्यान लगाओ, ये चिल्ला शुरू, शून्य की बात आती है वहां। अब फिर आप घोड़ा घोड़े के अस्पताल में ले जाए तो बात और है, ये तो शब्द पटुओं का खेल होता है साहब, कि मैं जब एक एक बात जम जाती है ना तो मैं जो भी कहूं उसी की ओर तो आप चल दोगे। मैं अहमदाबाद में कह रहा था कि ऐसी कथा जमी है कि मैं पोथी लेकर चल पड़ूं तो ये पूरी सभा मेरे पीछे चल दे। लेकिन जहां जिसका इलाज हो उसी अस्पताल में भर्ती करना चाहिए। मेरी कथा तो मोबाइल हॉस्पिटल है, चलती फिरती अस्पताल है, सोचिए। और मैं श्रोताओं के कितने स्तर देख चुका हूं इतनी मेरी कथा यात्रा में। कथा में ऐसा सूत्र आएगा जो आपकी ग्रंथि में फिट बैठता है वही आपको अच्छा लगेगा, और कोई सटीक होगा परम सत्य होगा तो भी आपकी जो धारा है उसी में अनुकूल नहीं होगा तो ठीक है, जबकि भी आ सकती है, ये भी एक ध्यान है। कथा सुनो तब बिल्कुल किसी के भी नहीं हो ऐसा बनकर सुनो, तभी कथा गांठ में आती। अब आप कृष्ण प्रेमी हैं तो कृष्ण की कोई बात आएगी तो आपको मौज आएगी, आप रमण प्रेमी होंगे तो रमण को अनुकूल कोई बात आएगी तो आपको प्रिय होगा, आप अरविंद प्रेमी हैं तो अरविंद, आप ओशो प्रेमी हैं तो उनके अनुकूल उनके, क्योंकि आपकी ये भी ग्रंथियां हैं, इन सभी ग्रंथियां छूटनी पड़ेगी साहब। अग्रह मात्र अध्यात्म मार्ग का बाधक तत्व, अनाग्रही अनारंभी, अनाग्रह होना चाहिए। आग्रही चित्त अध्यात्म की यात्रा नहीं कर सकता। और आप कहीं दूसरी जगह सुनने जाओ और आप कहे कि मुरारी बापू ऐसा कहते हैं ऐसे तो तालमेल, तो मुरारी बापू भी आपकी ग्रंथि है, इससे भी छूटो, अपनी निजता में यात्रा करो। कथा में जब आओ तब किसी के भी बनकर मत आओ, नाई धोई ना हो, ये लहद तेरी मिट्टी से कह दे कि दाग लगने न पाए कफन को। मैंने कई लोगों को देखा कि किसी प्रवाह में रहते थे, फिर कभी कुछ जान लिया, थोड़ा पढ़ लिया, कुछ बातें समझ ली, तो फिर उसके आग्रही बन जाते। ये ठीक नहीं है साहब, ये और नई ग्रंथियां हैं,
और ऐसी ग्रंथियों छूटने में वक्त भी लगता है, फिर देर लगे। कोई प्रवचन, कोई शब्द, कोई आग्रह गांठ पैदा करे वो ठीक है। ग्रंथ का अर्थ है ग्रंथि भेदन करे, समस्त ग्रंथियों को तोड़ दे। शास्त्र तो कल्प तरु है, उसमें से जो अर्थ निकालना चाहो निकल सकता है, ले जाओ घोड़े के अस्पताल भी, क्या होगा सा। कबीर था, वो अपना आग्रह छोड़ चुका है। मीरा थी, आग्रह छोड़। नानक देव थे, डूबे नदी में निकले तो केवल एक ही शब्द निकला, एक ओंकार सतना, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं। भागवत के प्रेमी होंगे उसको रामायण में कोई भागवत का संदर्भ आएगा तो मौज आ जाएगी, रामायण का प्रेमी होगा उसको भागवत में कोई रामायण की चर्चा करेंगे तो मौज आएंगे। और वक्ता लोग भी बहुत उदार होते हैं कि सब बातें मिलाकर सबको सुनाते और कहते हैं कि हमको सब आता है। ईश्वर के लिए सब जानना जरूरी नहीं है, स्वभाव में जीना जरूरी है, इतना है। कहीं भी चित्त को मत लगाओ, बुद्ध ने कहा है, और उनके नाम पर ध्यान पद्धतियों का अंबार छूटा है। ऐसे ध्यान, ऐसे ध्यान। जो आदमी आदि बुद्ध कह गया कि चित्त को कहीं भी रोको मत, बंधन ही बंधन है। महावीर स्वामी को लो, महावीर भगवान स्वामी तो ऐसा कहते कि नाभि पर ध्यान करो, नाभि भी शून्य का प्रतीक है, वहां से चेतना का संचार। ये बड़ा गहन विषय, उसमें मुझे जाना भी नहीं है, गोपी गीत रह जाएगा, लेकिन है गोपी गीत के ही अनुबंध में बात। उसका ध्यान नाभि की बात में आता, मूलतः बातें जो है वो ही मैं कह रहा हूं। फिर उसमें बहुत से विस्तार हुए, परिवर्तन हुआ, जो जो हुआ, मुझे उसमें जाना भी नहीं है। अब योगी लोगों का ध्यान तत्रेकानता, ध्यान तत्रेकानता, वहां एक तांता वही ध्यान है। जैसे ताना बाना बुए आड़े धागे, ऐसे जो कपड़ा बुनता है उसमें, आपने मिल स्पिनिंग मिल देखी हो तो, मैंने देखा है इसलिए कहता हूँ, और मैंने कपड़े बुने भी इसलिए मैं जानता हूँ, उसमें एक गांठ आ जाए ना तो फिर शाल बंद हो जाएगी, एक गांठ आ गई। चित्त के ताना बाना बुनने को योगियों का ध्यान माना गया, ताना बाना। इसमें थोड़ी भी ग्रंथि आई तो ध्यान टूटा, ध्यान टूटा। तत्रे कानता ध्यानम, योगियों का ध्यान है। अब सांख्य शास्त्रियों का ध्यान है असंगता, असंगता उनका ध्यान है। कपिलादि महापुरुष, उनका ध्यान जो है वो असंगता है, बस बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। ध्यान की बिलक बिलक मूलतः रीते हैं साहब। वेदांतियों का ध्यान निर्विषयम मन, मन में कोई विषय न रहे, वो वेदांतियों का ध्यान है, विषय नहीं, वो ध्यान। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मेरी दृष्टि में तो यही ध्यान है कि गाय के सिंग पर वो सरसों का एक दाना जितनी बार टिक जाए इतना मन स्थिर हो जाए, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ध्यान। रामकृष्ण देव कहते हैं कि सरसों का दाना एक पात्र में भरकर किसी शिवलिंग पर उड़ेल दो और जैसे जैसे ही सरसों के दाने नीचे नीचे गिरते जाए वैसे हमारी सभी वृत्तियां ईश्वर स्मरण करते करते नीचे गिर जाएं, उसी को ध्यान कहो। अब चारवाक मत वाले कहते हैं ध्यानवान कुछ मत करो, ध्यान से खूब खाओ, खाने में ध्यान रखो, वो उनका ध्यान है, पीने में ध्यान रखो, उनका ध्यान है,
मौज में ध्यान रखो। ऋणम कृत्वा घृतम ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो। ये चारवाकों का ध्यान, वो कहते खाते समय ध्यान रखो खूब खाओ, पहले खूब खाओ फिर खूब वॉक करो फिर खूब खाओ। मैं तो सच कहता हूं कि कोई ध्यान से खाए ना तो वो भी ध्यान है, क्योंकि हमारे उपनिषदकारों ने कहा अन्नम ब्रह्मेति व्यजानः, अन्न भी ब्रह्म है। योगी अन्न थोड़ा खाता है, ब्रह्म को खाता है। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानः, पियो पियो, यानी दूसरा पीने की बात मत करना। कथामृत पियो धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम् श्री राम नामामृतम्, ये पियो हरि नाम पियो, शुभ तत्व पियो, जो पीने योग्य हो वो पियो, ऐसी तैसी बातें मत पियो। ध्यान, लेकिन गोपियों का ध्यान क्या है? गोपियों का ध्यान है हे हरि तू अंदर हो कि बाहर हो, जैसे हमें कोई व्यक्ति को देखे। देखो मैं इस जीजी को देखूं, गोपियों का ध्यान क्या है वो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं ये वायोलिन बजा रहे हमारे मुरब्बी श्री, उसको देखूं तो वो मुझे पूरे के पूरे दिखाई देते हैं। वो मैं कुछ बोलूं तो हंसे तो वो हंसते दिखाई देंगे, वो मेरे सामने देखेंगे, प्रत्यक्ष है बिल्कुल प्रत्यक्ष, इसमें कोई कल्पना नहीं है। कल्पना को बीच में लाए बिना हे कृष्ण बाहर से भी कोई दूसरे व्यक्ति की तरफ तू मुझे दिखा और अंदर देखूं तो भी कल्पना मुक्त होकर तुम्हें देखूं, उसी दर्शन को गोपी ध्यान। हम तो क्या कहते हैं, कल्पना करते ना, हे मोर पीछे वहां को अंबूड़ो छे गिरिराज धारण के, ये सब कल्पनाएं हैं साहब। प्रत्यक्ष जैसे मैं इनको देखूं, ये मुझे देखे, एक एक आदमी दूसरे को देखे और मुस्कुराए, वो मुस्कुराए, दंत पंक्तियां दिखाई दे, आंख में भाव जगे, स्पर्श, ऐसे गोपियां चाहती है। चाहे अंदर हो तो भी इसी तरह हो और बहिर हो तो भी इसी तरह हो, ये गोपियों का, ये हमारे लिए सस्ता पड़ेगा। बाकी तो कल पर घना नहीं कहता हूं, ध्यान में बहु जरा मैंने पीलो रंग देखा है, वादड़ी देखा से हजी लांबू कर पीला रंग घना कह हमने मेघ धनुष वरसाद आवश्यक घना ने तो ध्यान में भैंसू देखाय, रबारी ध्यान करो तो भैंस देखाय साहब। तत्रे कानता जिसमें चित एकांता प्राप्त करता है। कल्पना मुझे बहुत रास पड़ रहा है। अब सुतीक्ष्ण ध्यान करता है तो स्वयं राम जी उसको जगा रहा है, लेकिन उठतन ध्यान जनित सुख, सुतीक्ष्ण जागा नहीं क्योंकि उसकी कोई कल्पना नहीं, अंदर भीतर राम को प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा, बात हो रही अंदर, मुझे बहिर की क्या लेना था, बहिर हो या भीतर हो, इसे दो व्यक्ति मिले बोले सुने मुस्कुराएं, ऐसा ध्यान गोपियों को, इसी ध्यान की तलाश में है वो, क्योंकि वो ध्यान उनका अंतर्ध्यान हुआ है। तत्रैव अंतर दिव्यता, तो ये ध्यान वाली जो बात बहुत चल रही है, तो जिसको जो रास आए ठीक है अपनी अस्पताल में न ले जाए, कथा में आओ तो बिल्कुल 3 घंटे बिल्कुल सब तरह से मुक्त श्रोता बनकर आओ, हाँ तभी बात बनती है, क्योंकि आग्रह आपका चित्त एकाग्र नहीं होने देगी, क्योंकि आपकी कुछ में रुचि है कि ये बात आए तो अच्छा, ये गीत आए तो अच्छा, ये शेर आए तो अच्छा, ये दृष्टांत आए तो अच्छा, तो गए। मैं भी बिल्कुल मुक्त मन से कह रहा हूं, मैं कोई तैयारी करके नहीं आता कि ये कहूं ये कहूं ये कहूं, कभी कभी तो मैं बिल्कुल ठोठ बनकर आता हूं, कुछ निश्चित नहीं होता कि मैं क्या बोलूंगा क्या कहूंगा, मुक्त चित्त से आओ तभी आनंद है, तभी रास होगा।
जिसको कथा सुनते सुनते अपने गुरु याद आए ना, उसको अपने गुरु को ही सुनना चाहिए। भगवत चरित्र में जाने से चित्त बिल्कुल खाली होना चाहिए। वहाँ अपना गुरु भी बीच में आया ना तो सूत्र नहीं समझने देगा। तो आप कहोगे हमारे गुरु तो ये कहते थे, हमारे गुरु का तो ये सर्वभौम बात। कहते हैं ऐसा श्रोता वक्ता और आयोजक तीनों दुर्लभ है शास्त्रों में। ऐसा वक्ता श्रोता और आयोजक तीनों दुर्लभ माना जाता है। वक्ता इसी मूड में हो, श्रोता डबल मूड में हो, आयोजकों को कोई लेना देना ना हो, केवल भगवत चर्चा हो। आज किसी ने पूछा कि भागवत की कथा हो तो पितरों का तर्पण हो, कथा कराए उनके पितरों का तो तर्पण होता है, भागवत की कथा सुने उनके भी पितृ के तर्पण हो जाता है। भागवत को कम है साहब, कुछ सब थोड़ा करवा सकते, सुनो काफी है भागवत कथा अमृत। पितरु भितरु क्या हजी जी आएगा नहीं ना, ये तरी जाए तुम्हारे बेटा हो, उनकी शादी हो, उनकी पत्नी हो, उनका गर्भ हो, उनसे बच्चा पैदा न हुआ हो ना, वो भी तैर जाएगा। भागवत की ये शक्ति है साहब। पितृ तो सामान्य है। मैं तो कहता हूं भागवत की कथा या तो कोई भी भगवत कथा, पहले जिसके पितृ तैर गए ना उनके परिवार को ही अक्कल आती है कि करो। जिसके पितृ तैर गए वो ही भागवत में आते, बाद में तरे उधर क्या है। जिसके पितरु तरे नहीं ना, उनके बच्चे तो अपने पैसे कहीं दूसरी जगह लगाएंगे, कथा में थोड़े लगाएंगे। तैरना बैरना सामान्य बात है, मौज कर लो। पितरु जहां हो, पितरु भी तो भाद्रपद में आते हैं फिर उड़ जाते हैं, कौवे बनकर आते हैं भाद्रपद में आते हैं। एक माँ और बेटा, बेटे का बाप का श्राद्ध था तो कौवा आया ही नहीं, दूसरे घर पर बैठा था कौवा, और बेटा श्राद्ध कर रहा, माँ को पूछा कि माँ ये पिताजी यहाँ क्यों नहीं आता। तो मैं खड़ी हूँ ना, नहीं आएगा, कि मैं जब भी खड़ी रहती ना कभी घर नहीं आते थे, और अपने घर की खीर उसको अनुकूल नहीं पड़ती, जिंदगी भर दूसरे के घर की खीर खाई है इसलिए दूसरे मकान पर खड़ा है, ये नहीं आएगा। काग रखी मख ध्रम किया, अजमाल नथ तन कुवर आलन सोई तणी रत सामरिया। मुक्त चित से कथा सुनो तभी आनंद आएगा। फिर आपका जो आग्रह हो करो, लेकिन हम जब ग्रंथियों से बंधन हो में आ जाते तब लगता है वो ने, उसने कहा ऐसा तो नहीं आया, ऐसा नहीं आ सकता साहब, सबका ठुमका बिलक होता है। हाँ, यहां कोई नकल थोड़ी है, यहां तो दिने ही दिने ही नवम नवम नमामि नंद संभवम स्वादु स्वादु पदे प्रतिक्षण वर्धमानम। नारद का प्रेम सूत्र है, प्रतिक्षण ताजे तरोजे बन कराओ, नाह धो कराओ कथा में 3 घंटे के लिए, ये लहद तेरी मिट्टी से कह दे कि दाग लगने न पाए कफन को, ये लहद तेरी मिट्टी से कह दे कि दाग लगने न पाए कफन को, क्योंकि आज ही हमने पहने कपड़े आज ही हम नहाए। कथा में आना है, मरने को आना है साहब। यहां भीतर की कई बातें मर जाए और अमरत्व पैदा हो जाए, उसी को कहते हैं कथामृत। आज भी हमने पहने हैं कपड़े, आज ही हमने पहने हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं, आज ही हम पहने हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं। ए लहद
लहदे ए लहद अपने मिट्टी से कह दे दाग लगने न पाए कफन को आज ही हम नहाए हुए हैं आज ही हमने बदले कपड़े आज ही हम नहाए हुए आज ही हम नहाए क्यों हमें मौत के पैगाम दिए जाते हैं ओ क्यों हमें मौत के पैगाम दिए जाते हैं ये सजा कम है कि जिए जाते हैं मर जाओगे क्यों धमकियां दी जाए ऐसी मुश्किल में भी जिए जाते हैं वो सजा कम है क्या क्यों हमें मौत के पैगाम दिए जाते हैं ये सजा कम है कि जिए जाते हैं आज ही हम बदले कपड़े आज ही हम नहाए हुए आज ही हम नहाए इश्क में क्या बताए के दोनों इश्क में क्या बताए के दोनों किस कदर चोट खाए हुए किस कदर चोट खाए हुए कथा में जब आते हैं तो सब रोज नहाते होंगे ना कपड़े भी बदलते होंगे ना कथा में आओ तब कलेजा भी धो कर आओ फिर सत्संग असर करेगा साहब आग्रहयुक्त चित इस महफिल में इजाजत नहीं देता इस दरबार में उसी को आवकार है बालक की तरह निर्दोष चित लेकर आए क्योंकि इतनी कथाओं के बाद घटना नहीं घटती साहब आग्रह है ये बात है ठीक है कभी आप कहो कि ये बात सुनाओ मुझे भी अच्छा लगता कि ये बात लेकिन आग्रह छोड़ो गंगोत्री की गंगा को ये नहीं कहा जाता कि ऐसे चलो ये कैनाल नहीं है ये मानव सर्जित प्रवाह नहीं है ये परमात्मा का स्फुरन मौलिकल लोली नीचारु गंगा लसत बाल बालेंद कंठे भुजंगा चलत कुंडलम सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम इसलिए कथा के प्रवाह में सब कुछ आता है जो मौज में आया फिल्म के गीत भी आ जाते हैं लोग ये महात्माओं को तो पता नहीं होता क्योंकि ये थोड़े फिल्म देखते हैं इसको लोग बाबाओं को लगे कि भाई ये तो कोई गीत की पंक्ति होता है फिल्म के क्या क्या चोट खाए हुए हैं साहब आनंद बहुत आया खबर नहीं एक बात तो पक्की हो गई पायो परम विश्राम तुलसी ने तो बहुत उम्र के बाद पाया हमने भरी महफिल में पाया साहब पायो परम विश्राम बहुत आनंद आया अरे तुम बहुत होई कोई कमी नहीं छोड़ी तूने अनुग्रह करने में दाता और फिर भी हम भीख मंगे बने रहे तो हमने तेरी इज्जत को डुबोई और आप सबको क्या नहीं मिला साहब क्या नहीं मिला इन संत पुरुषों को देखो इनको क्या नहीं मिला साहब मुट्ठी में निर्वाण लेकर घूम रहे हैं हाँ क्या नहीं मिला महापुरुषों विद्वानों को क्या नहीं हस्ता आमला के फल की तरह हाथ में शास्त्र लिए बैठे हैं सब क्या नहीं मिला है उसी में जियो
इसलिए मैं गाता रहता हूं। ये घड़ी खास, ये घड़ी पर्टिकुलर, एक क्षण, ये घड़ी जाएगी तुझे मेरे बुलाते। पतंजलि जिसको प्रत्याहार कहते हैं, लौट के आ जा ए मित्र, लौट जा। वो किस मित्र की बात है? गीत कहीं का भी हो, वो उपनिषद की शाखा पर जो दो पक्षी बैठे हैं उनकी बात है। लौट जा, उसको उसको प्रकाश डाला गया। आ मुझे मेरा सुना पड़ा रे संगी, मेरा सुना पड़ा रे घड़ी न जाए भी। वर्तमान में जीने की बात सभी महापुरुषों ने, भूतकाल शोक देता है, भविष्य चिंता ग्रस्त कर देता है, एक ही उपाय है वर्तमान में जीना। तो बात आग्रह मुक्त चित्त कथा श्रवण करें तभी बहुत जल्दी घटना घटती। तो जिन जिन नाम मिथुन राशि के हैं, कौपर से कुंता ने जाना, कर्ण ने जाना, आप नहीं मानोगे, कंस ने जाना, क अक्षर वाला आदमी है, कंस ने किस रूप में जाना कि मेरी मौत जन्म ले चुकी है, देवकी का आठवां मेरी मृत्यु है, कंस ने मृत्यु को जाना। कुछ कुछ जाना है इन लोगों ने, जहां जा सर्व हर अक्षर वालों, लेकिन क वालों ने कालिंदी ने जाना, यमुना जी ने जाना है कृष्ण को, इसलिए तो मारक कर देती है वसुदेव को, क्योंकि जान गई है कि ये कौन आया है, जिसकी नसें नदियां हैं वो पर ब्रह्म उतरा है। कालिंदी ने जाना, जहां जा क है, कपिला गाय ने जाना, जो कृष्ण की बहुत प्यारी कपिला गाय थी, श्याम सुर विपय विसद अति गुनद करई तेई पां। कपिला गाय ने कृष्ण को जाना, कुंता ने जाना, कर्ण ने जाना, कृष्णा ने जाना, महाभारत में कैकेयी ने जाना। कैकेयी जानती है कि राम तत्व क्या है, अपनी अपनी कक्षा के अनुसार। कौशल्या ने तो जाना ही है, माँ को अद्भुत रूप विराट रूप दर्शन दिखाया, कौशल्या ने जाना, रामचरित मैंने कल निवेदन किया, काकभूषुंडी जी ने जाना, कहने दो कुंभकर्ण ने जाना, जगदम्बा हरियाण के सठ चाहत कल्याण कुंभकर्ण ने, कहने दो कालनेमी ने जाना, सब काका वाले हैं सर, कालनेमी ने जाना है। रावण को कहा कि तुम्हारी नजरों के सामने जिसने लंका का दहन किया, अक्षय का क्षय किया, उसके पंथ को कौन रोक ना रहा, क्यों मुझे मारने भेज। और रावण चिड़चिड़ा करने लगा, तब काल ने भी जानता था, काल मुझे कहने दो अरण्यकांड के कबंध ने जाना, राम की थोड़ी गति कबंध ने, इसलिए मेरे तुलसीदास जी दूसरे संदर्भ में गति शब्द का प्रयोग, ताल की दे गति राम उदारा सबरी के आश्रम धारा। ईश्वर को वही जाने जना धड़ू पर माथा नहीं रहता, ये जान ही सके। कबंध का मतलब है जिसका माथा निकल गया, बौद्धिक अहंकार भगवान को जानने में बाधा है, निकल गया जिसका।
માથા પડે ને ધડ લડે સોલ્ટી દુહાઓમાં જે હોય છે. શરમદને કહા તા ઔરંગઝેબ સર કલમ હોતા હૈ તભી પતા લગતા હૈ કે ખુદા હૈ. જબ તક સર કલમ નહીં હોતા તબ તક કહા પતા લગતા હૈ કે ખુદા હૈ. જિન્હોને સર કટાય કબંદ ને જાના હૈ સાહેબ, ભાગવત મેં કપિલ ને જાના, સાંખ્યાચાર્ય કપિલ, કરદમ ને જાના, એ ક વાલે ફિર આપ ખોજ કરીએગા. હા અરે વાહ વાહ, સાધુ સાધુ, બહુ અચ્છા યાદ દિલાયા, કેવટ ને જાના. હા ચોપાઈ લો ચોપાઈ લો ભાઈ, હાલો માગી નાવર કે કહી તુમાર મરણ, કહી તુમાર મરણ. કેવટ ને જાના, એ તો સ્પષ્ટ વાત લીધી. લો અચ્છા યાદ દિલાય, વાહ વાહ ક્યા વાત. હા કુબજા, અચ્છા અચ્છા, સહી જવાબ સાહેબ, કુબજાને જાના, બિલકુલ બિલકુલ સહી હૈ. કુબજા માનસ કે કપિ ઓર કપિંદ્રોને જાના હૈ, સભી બંદર હૈ જો પ્રભુ તર ઉતર કપિડાર પર તે કિયે આપ સમાન. કપિયોને બંદરોને જાના, સુંદરો રહે ગયે, સુંદર લે થે વો રહ ગયે, બંદર જાન ગયે. કવાલે સભી કમ સુખમ, એ સબ સુખ કે ધની થે, કવાલે સબ જાને. અબ કોઈ યાદ આતા હો તો બતાઓ. કોલ કી રાત, હા કોલ કી રાત, કોલ કી રાત, કોલ કી રાત, કોલ કી રાત, હા બિલકુલ ઠીક, કોલ કી રાત, બિલકુલ 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 બિલકુલ, બહોત અચ્છી વાત. હા કાલી ને કાલીનાગ ને જાણો, બહુ અચ્છી વાત, કાલીનાગ ને જાણો, વયમ ખલાહા સહોત્પત્યા, કાલીનાગ ને જાણા, એક એક થુમકા જાણા ઉસને, જો પાદ પ્રહાર હોતા થા ના, હા ઓર એક એક પદન ન્યાસ છે, કાલી કા વિષ નિકલને લગતા થા, એક એક પદન ન્યાસ, કાલીનાગ ને જાણા, બિલકુલ અચ્છી વાત હૈ. હા કવિને જાણા, બિલકુલ ઠીક, કવિઓને જાણા, કવિ ઈશ્વર કી વિભૂતિ હૈ, કવિ નામ ઉષ્ણા કવિ, કવિ લોગ જાનતે હૈ, થોડા બહોત જાન, થોડા બહોત, થોડા બહોત, બાકી પૂરા તો વો જનાએ તભી બાત હોતી હૈ, લેકિન થોડા થોડા ભનક આતી હૈ, કવિ લોગ જાનતે હૈ. ઓર કોઈ? હા કાકભૂસુંડી, બહોત અચ્છા જવાબ કાકભૂસુંડીજી, બહોત અચ્છા. આ તે કરીને આ બધું ઊભું કરું છું, કારણ સારા પંડિતજી આપકો કુછ કહેના હૈ? કૌશિક, હા કૌશિક ને જાણ, વિશ્વામિત્ર મહારાજ, બિલકુલ સહી, બિલકુલ ઠીક. હા કુંભજ ઋષિ ને જાણ, કુંભજ ને ચા, બિલકુલ ઠીક હૈ. કબીર ને તો પૂરા પાયા સાહેબ, કબીર તો ક્યા, આ સાધુ કડી આદમી લઠ લેકર પંડિતો કે પીછે પડા થા, કાશી કો ઇતર બિતર કર દી ઇસ આદમી ને, કબીરા ખડા બાજાર મેં લીએ ખાટી હાથ. કબીર ને પૂરા પાયા, મેં કબૂલ કરું, કબીર કબીર હૈ સાહેબ. હા કાશી ને જાણ, કાશીનગરી, હા કાશી મેં કિન કિન ને જાના, દીનદયાલજી કો પૂછો, સંપર્ક સૂત્ર દીનદયાલજી, કર્માબાઈ, હા ઠીક હૈ, બહુ અચ્છા, સબ કિતના સોચતે, બહુ બહુ મુજે ખુશી હુઈ આપકો સુનકર. કૈલાશ ને જાના, કેદાર ને જાના, કૈલાશ
और शंकर के केदार नाम वो जानता है, और हनुमान हाँ साधु को हो को का क्या फर्क है, नमे जाति भेद है साहब, इसमें से साधु को क्या फर्क पड़ता है साहब, क हो ख हो ग हो सब 52 अक्षरों के अंदर तो खेल है, साधु तो पाता है 52 अक्षर बार। कालिदास ने थोड़ा बहुत जाना, ये तो आपने नहीं सांभी पहली बार। दीवानों किसी न बात करे तो और करे दीवाना क्या, ये पागलों की महफिल है साहब, यहाँ बुद्धिमानों को निमंत्रण ही पागल होना है तो आओ हमारी महफिल में, देखकर बैठकर देखो कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है, पीना हो तो आओ हा? हाँ कृष्ण ने कृष्ण को जाना क्योंकि वो काली कमली रखता था, कृष्ण खुद को जानते होंगे ना, ईश्वर है कृष्ण काली कमली, जो गोविंद गोविंद को जानता है क्योंकि काली कमली तो उनकी है, वो उनको जान आम नम का राखवा तो जड़ाई बड़ाई नहीं सर। एक कहूं कथाकारों ने जाना है भूरी राजा, शंकर जैसे कथाकार, सुखदेव जी जैसे और वाल्मीकि जैसी कोयलों ने जाना है, वंदे वाल्मीकि कोकिलम, कोयलों ने जाना है, कोकिलों ने जाना है, क वालों ने बहुत जाना है, और कोई कोई हा कर्दम ऋषि कण्व बापू में को कहाँ है भाई साहब, हाँ निम्बारकियों ने जाना होगा तो निम्बार काली बिंदी वाले अवश्य अवश्य जरूर, आचार्य परंपरा हो आचार्यों ने तो जाना, जयदेव का ठाकुर पूजा जाता है शनिवार सलेमाबाद में निम्बार का आचार्य, तो उसने जाना होगा, हाँ कामदेव ने जाना, ठीक है काम ने जाना क्योंकि उनका बेटा है, हाँ बाप ने बधी बात दीकरान खबर हुई सब, उनका बेटा राम का बेटा काम है वो जानता है, इसलिए तो उस बाप को खुश करने के लिए कंदर्प शब्द का यूज उपयोग तुलसी ने कहा कि बेटे की सराहना करो, बेटे का नाम बार बार लो तो बाप राजी हो जाए, आपका बेटा अरे लाखों में, आपका बेटा उस दिन मिला था क्या सीधा है, आपका बेटा मिला ना सीधा पैर छुआ, दादाजी कोई सेवा करो क्या बेटा, बेटे का नाम लो तो दादा खुश हो, इसलिए तुलसी इसका सदुपयोग करते हैं। कंदर्प अगणित श्री राम
बात हमारी चर्चा चल रही थी कि ईश्वर तो सबको जानता है, सबकी गति जानता है, लेकिन ईश्वर की गति किसी गुरु की कृपा से कुछ कुछ जानने में आए, उसको कहते हैं दीक्षा। हमारी गति अधह गति है कि ऊर्ध्व गति है, वो किसी के शब्द से, किसी की कृपा से, किसी के स्पर्श से, किसी की मुस्कुराहट से, किसी के कुछ बोल से समझ में आ जाए, उस अधह गति है कि ऊर्ध्व गति है, ये विवेक आ जाए, उसी विवेक की गति को कहते हैं दीक्षा। माला पहनाना, तिलक करना, ये दीक्षा के बहुत से प्रकार है, मैं इसका वो नहीं करता, लेकिन वास्तविक दीक्षा क्या है? गति जाने। जब जीव कुछ कुछ ईश्वर की गति जानने, क्योंकि मुश्किल क्या है कि मानस कहता है अति विचित्र भगवंत गति, परमात्मा की गति अति विचित्र है, इसलिए जानना बड़ा मुश्किल है, फिर भी गोपी जन जान गई, इसलिए कहते तेरी गति से हम विदित हैं, हमने तुम्हारी गति जानी। और आपका जो गीत है वो उद्गीत है, वो हमने जाना। अब मैं आपको सही स्थान पर लिए चलूं। पूज्य श्री ने भी एक दो दिन पहले इस श्लोक का उपयोग किया था। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत। अब यहां मिलाओ गोपी गीत के साथ, इसी शब्दों का यहां मेल है। भगवान श्री कृष्ण ने जब वंशी ध्वनि की, मुरली बजाई, मूर का अर्थ होता है संस्कृत में, मूर मानी ऐठन, जो कुछ गलत हृदय में घुस गया, अथवा तो ग्रंथियां कहो। मुरली का अर्थ होता है इन भीतर की ग्रंथियों को जो तोड़ दे, भीतरी कचरे को निकाल दे, उसको कहते हैं मुरली। मुर को कहते हैं पाश भी, इसलिए हमारे यहां शास्त्रों में अष्टपाशा, आठ प्रकार के पाश आए, भय, लज्जा, शोक, निंदा, कूल, शील, वीत, ये सब अष्टपाशा जो आते हैं हमारे यहां, ये सब। तो वंशी ध्वनि, देखो भाई, कोई किसी को जगाए, कोई आवाज दे और सामने वाली व्यक्ति दौड़े, लेकिन आवाज में ताकत है तो वो दौड़ेगा, आवाज में निमंत्रण है तो वो दौड़ेगा, लेकिन आवाज कोई अच्छे वंश वालों की होनी चाहिए। जिसका वंश ठीक नहीं, उनकी आवाज बुला करके बदनाम करेगी, पोषण नहीं शोषण करेगी। वंशी का मतलब क्या है? वंशवान व्यक्ति है ये। कृष्ण की वंशी अच्छे वंश की प्रदाता है, वंशी का अर्थ ही यही होता है, अच्छे वंश में जिसका जन्म, बिल्कुल हृदय जिसका पोला है, जमाने के बहुत घाव सहे, इसी से निकला है निमंत्रण। तो निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, व्रज की स्त्रियों ने कृष्ण के गीत को सुना, ग्यारह साल के कृष्ण थे ने, तब तक उस पर लेख कम लिखे गए, गीत ही लिखे गए। वहीं से जब द्वारकाधीश हुआ, मथुरा गया, उसके बाद इतिहास पुराण सब लिखने में आते हैं, बाकी ये जो गोकुल और वृंदावन की जो, उसमें गीत प्रधान कृष्ण है, लेखन प्रधान कृष्ण नहीं है, फिर पुराण पुराण उसमें चलो। तो ये वंशी अच्छे वंश, वंशी को किसी ने पूछा मुरली को कि तेरा वंश क्या है, कौन वंश के है? बोले मैं हरिवंश की हूं, मेरा हरिवंश, मैं हरिवंश की परंपरा में आई, मेरा कुल हरिवंश है,
परमात्मा मेरा, आनंद अमार गोत्र, उत्सव अमार जाति। ये बात बुलाने वाला कुलीन होना चाहिए, वरना शोषण होगा। वंशी वंशधर की, हरि वंश की वंश में आई है, कुलीन है, निर्मल वंश है उनका। इसलिए निशम्य गीतम, इस वंशी से जो गीत निकला, अब वहां तो स्पष्ट लिखा है, आप श्री ने भी उसके अर्थ किए, अनंग वर्धन के जो जो विश्लेषण करके व्याकरणी लोग जैसे करते हैं, हर महापुरुष अपने अपने ढंग से, वहां लिखा है अनंग वर्धन। भगवान कृष्ण की बांसुरी का गीत गोपियों ने सुना, वो गीत कैसा था? अनंग वर्धन, अनंग यानी काम। अब ते तव रतिनाथ कर हो ही नाम अनंग, बिन वप व्यापी सब ही पुनि सुनु निज मिलन प्रसन्न। अनंग कामदेव को वर्धन करने वाले गीत। कोई गीत काम का बढ़ावा करे वो अच्छा है क्या? काम का नाश करे, हम तो इसमें टूटे कि काम का नाश हो, काम सब यही में टूटे, काम का नाश हो, काम का नाश हो। और यहां कहते कि कृष्ण के गीत ने अनंग वर्धन किया। अब वर्धन शब्द के महापुरुषों ने बहुत से अर्थ किए, ये महापुरुषों की महिमा है। साधु साधु साधु, मैं एक प्रश्न पूछकर आगे बढ़ू। काम अनंग माने काम, काम आदमी का पतन करता है कि आदमी का उत्थान करता है? मुझे जवाब चाहिए। काम आदमी को गिराता है कि ऊपर उठाता है? हाँ, पतन करता है ना, उत्थान करता है। हम एटला बधा सांभळी सांभळी तमे लोको तैयार छो, मारू पेपर फोड़ी नाखो छो वच्चे वच्चे। ज्यादातर माना गया कि काम अधःपतन करता है, होता भी है, नहीं होता भी, ऐसा नहीं, गिराएगा यदि धर्म विरुद्ध काम होगा तो गिराएगा। नरक का पंथ है, गीताकार ने नरक के द्वार गिनाए हैं ये काम क्रोध लोभ वाली बात को। लेकिन यहां वर्धन शब्द है। नदी में जब बाढ़ आती है तो पानी कम होता है कि बढ़ता है? बाढ़ को किसके दे? पानी बढ़ा, उसका स्तर बढ़ा, 2 फीट 5 फीट बढ़ा। बढ़ा पानी, इसका मतलब है कि पानी नीचे नहीं गया, ऊपर उठा, ठीक है ना। कृष्ण का गीत सुनकर गोपियों का काम नीचे नहीं गया, जो नीचे था अपने कांतों में वो कृष्ण की ओर ऊपर गया। अनंग वर्धनम, ये पानी चढ़ा साहब, आज तक अपने कांतों में घर में था काम, अपने अपने जो पति महोदय पुत्र संतान आदि आदि सब में आसक्तियां थी, भगवान कृष्ण का एकमात्र गीत ऐसा हुआ कि बाढ़ हुई, पानी का स्तर बढ़ा, काम ऊर्ध्व। इसलिए ये जो दीक्षा वाली पंक्ति जिसको गोपी गीत की मैं कहता हूं, वहां उद्गीत शब्द आया है। उद्गीत, गीत का ऊर्ध्वीकरण। कुछ गीत ऐसे होते हैं जो आदमी को पतन करे, कुछ गीत ऐसे होते हैं जो आदमी को ऊर्ध्व गति करे। अनंग वर्धनम, जो अधःपतन करता था काम, वो गोविंद के आमंत्रण के बाद कृष्ण की ओर ऊपर उठा है। काम को मारना अच्छी बात है, काम को जला दे कोई शिव रूप स्वागत, लेकिन हम जैसों के पाले तो यही पड़ता है कि कोई कृष्ण का गीत सुनकर, कोई सदगुरु की बानी सुनकर, कोई शास्त्र का सूत्र सुनकर हमारा काम जो अधोगामी था वो वर्धन हो जाए।
एव साधु सुकृतो, फिर कपिल को याद कर उद्गति हुई, उद्गीत हो गया, श्रेष्ठ गीत हो गया। गोपियों ने कृष्ण की गति जानी है। ईश्वर हम सबको जानता है, हम थोड़ा उनको जाने, वो दीक्षा है। शिक्षित आदमी केवल शास्त्र जानता है, दीक्षित आदमी शास्त्र का प्रधान लक्ष्य जानता है। दीक्षा का मतलब यह है कि शास्त्र क्या कहना चाहता है। अभी अभी भी सरलता में कहूं तो संसार प्रधान हो और परमात्मा गौण हो वो दिशाहीनता है, लेकिन जब संसार गौण हो जाए और परमात्मा प्रधान हो जाए वो दीक्षा है। दीक्षित आदमी बिलक सा लगेगा, संसार तो रहेगा लेकिन गौण, ऊपर परमात्मा होगा, पीछे पीछे संसार होगा। जो दीक्षित नहीं है उसके जीवन में संसार ही प्रधान होगा, परमात्मा कभी भूले बिसरे याद आ जाए। इतना ही मैं एक दृष्टांत दिया करता था, वो आज मैं याद करूं आपको याद आ जाएगा, जो मैंने पहले कथाओं में बहुत। एक महात्मा थे, आश्रम था बड़ा सुंदर छोटा सा आश्रम, केवल साधना में रत, और महात्मा इतने घंटों पूजा पाठ स्वाध्याय प्रवचन में डूबे रहते थे कि उसको रसोई करने का समय नहीं मिलता था। फिर महात्मा ने कैसे भी कोई ऐसा सेवक देख लिया जो रसोई जानता था, महात्मा के पास रहे, स्वाध्याय करे, सत्संग भी हो बाबा की और रसोई करे। लेकिन रसोई करते करते उसका जीव संगीत में तो गुनगुनाता रहता था कोई न कोई। अब करता है रसोई लेकिन स्वाभाविक गति संगीत थी, तो गुनगुनाते गुनगुनाते रसोई करता था। मैं भी आपको प्रार्थना करूं, रसोई जो घर में करते हो उसको मुंह चढ़ाए रसोई मत करनी चाहिए, कुछ गुनगुनाते हरी शरणम हरी शरणम, या तो कोई भी अच्छा जो अनंग वर्धन करे, जो हमारी कामनाओं को, हमारी वासनाओं को, उपासनाओं की ओर गति प्रदान करे, ऐसा पतन करे ऐसे गीत में। मैं भी कथाओं में कोई ना कोई गीत की पंक्तियां लाता हूं, वो पतन कराने के लिए, सूत्र को ऊर्ध्वगमन कराने के लिए। केवल गीत की पंक्ति मत पकड़ना, मेरा इशारा समझना, वरना मैं आलोचना सहन करके भी गा लेता हूं। आलोचना भी तो होती है ना कि बापू ऐसी पंक्ति गा ले, फिल्म की पंक्ति गा ले, ऐसा भी होगा ना। लेकिन मेरा इरादा है व्यक्ति और हमारी जो अधपतित चेतना है वो ऊर्ध्वगमन करे। किसी से सीढ़ी चाहिए, सीमेंट की हो, लकड़ी का दादर हो, बांस की सीढ़ी हो, लोहे की हो, लेकिन सोपान ठीक हो कि कहीं गिरे ना, इसी तरह मैं लिए चलता। बाकी उल्टा उल्टा सब, ये नया दौर चल रहा है हमारा, इसलिए तो मैं फिर मुझे वो पंक्तियां याद आती। जमाने में जी ऐसे नादान, नादान होते वहाँ ले जाते हैं कश्ती, वहाँ ले जाते हैं कश्ती जहाँ तूफान होते हैं। ए उनका फर्ज क्या वो अहले सियासत जाने,
उनका फर्ज क्या? वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे, हमारा काम तो यही है। लगता ऐसा है कि कश्ती वहां लिए चलते हैं जहां तूफान, लेकिन मोहब्बत सबकी महफिल में शमा बनकर नहीं जलती। हसीनों की नजर सब पर छुरी बनकर नहीं चलती, जो हो तकदीर वाले बस वही कुर्बान। कश्ती जहाँ तूफान होते हैं, वहाँ ले जाते हैं कश्ती तूफान होते हैं, न पावे सजना तेरे बिना। पल चैन आए सामिक, पल चैन आए सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना सामिक, पल चैन आए सामिक, पल चैन आए सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। सड़कलिया जी नहीं लग रहा, सड़कलिया जी नहीं लग रहा सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। सामूहिक पल चैन पावे, सामूहिक पल चैन पावे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, चराग तेरे बलन हमें, चार चराग तेरे बलन हमेशा, पंजवा में बालन आया पला झूले लालन, पंजवा में बालन आया पला झूले लालन, सेवन दा सखी शाबास कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली का पहला नंबर, अली का पहला नंबर,
बलि का पहला नंबर धनन धनन तेरी नौबत बाजे घन घनन तेरी नौबत बाजे धनन धनन तेरी नौबत बाजे घनन घनन तेरी नौबत बाजे नाल बजे घड़ियाल बला झूले लाल घड़ियाल बला झूले लाल सिंदड़ी दा सेवन दा सुखी शाबा सलंदर दमादम मस्त कलंदर अलविदा पहला नंबर तदनंगवर्धनम् व्रजस्त्रिय कृष्णगृहीतमानसाः आजग्मुरन्यो न्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलो कश्ती जहां तूफान जमाने में भी अजी गणा हवा डांडा फरे हम हैं मताए कूचाए बाजार की तरह उठती है हर नजर खरीदार की तरह कोई कुछ भी कहे कोई कुछ भी कहे ये नया दौर है लेकिन गीत उद्गीत हो जाए अनंग वर्धन हो जाए वासना का ऊर्ध्वगमन हो और उपासना में परिवर्तित हो जाए नदी में पानी बढ़े वो नदी का स्तर बढ़ा वैसे किसी भी गीत से हमारे चैतन्य का हमारी भावनाओं का हमारी हमारे स्वभाव का ऊर्ध्वीकरण हो जो अधोगमन तो निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत और देखो कितना बढ़ाना वो चाबी उनके पास है अब पंखा कितने नंबर पर करना है अपने कमरे में वो स्विच तो अपने हाथ में होती है ना कि दो पर करना कृष्ण गृहीत मानस गोपियों का आनंद कितना बढ़े उसकी चाबी फिर उसके पास है स्विच उनके पास है कि उनका स्तर कितना बढ़े ऊर्ध्वगमन कितना करो जिसका मानस कृष्ण ने गृहीत कर लिया जिसके मन की स्वीच जिसके हाथ में है उन्हीं की ओर जब आदमी कामना रखेगा ना तो वो हमारा ध्यान रखेगा कि इसको गिराना है कि ऊपर उठाना है और संसार की ओर कामना रखेगा तो जो आग बुझा हुआ बड़ा ताप्पा बैसी जैसे जो आग बुझाने वाले थे सृष्टों की ओर जब कामना बढ़ती है सब तब कंट्रोल भी वही करता है कि उसकी कामना कितनी बढ़ाई जाए उसको काम क्योंकि काम एक ऊर्जा है साहब काम एक चैतन्य है काम की चर्चा वेद ने भी की है शायद आप्त काम के रूप में वेदों ने भी काम शब्द का प्रयोग उठाया है
मानस में गोस्वामी जी ने पूरा काम प्रकरण लिख दिया। लेकिन हो अनंग वर्धनम ऊर्ध्वगमनम, अपनी चेतना पाताल में उतरी जाए एम नहीं, अपनी चेतना आसमां को छुए, नीलांबर की ओर गति करे। जिस पुरुष का वर्ण नील था, अंबर की तरह जो गोविंद सब पर छाया था, उस बदलती दिशा को मेरी व्यासपीठ दीक्षा कहते। वो तो हमारी गति जानता है, लेकिन हम भी उनकी थोड़ी थोड़ी गति जानने लगे। परीक्षा के बाद दीक्षा है, इसलिए फिर एक बार इन पंक्ति का पाठ करें। महात्मा के आश्रम में रसोई बनाता था और गुनगुनाता था, संगीत का जीव था, स्वभाव में संगीत था। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि माताओं को जब रसोई बनाए तब गुनगुनाए, चिड़चिड़ होकर रसोई बनाए। घनी बहनों तो रसोई में क्रोध नाक है, मसाला के रूप में एक दूसरे की निंदा थोड़ी डाल दे, मसाला के रूप में एक दूसरे का द्वेष थोड़ा डाल, रसोई बनती जाए और ये मसाला पड़ता जाए। आ बदा ने तबियत तो बगड़ी से आ मसाला न कारण, वरना तो अन्नम ब्रह्मेति व्यजान। किसी को ये हो गया, डायबिटीज बढ़ गया, किसी का बीपी ऊपर नीचे बीच में खबर नहीं क्या क्या होता है, किसी को ये वो जो खून ज्यादा बन गया, मोटा वो होना लगा, किसको ये सब क्यों है? क्योंकि रसोई करने वाले की मनोविज्ञान शुद्ध नहीं। साहब अन्न औषधि बन जाती है, जब चित्त प्रसन्न होकर रसोई बनाओ। ये करो, रसोई करते करते भी घरे आवे पछी जोई लो, बोलो होटल में खाई ना आवे बिचारा। एक आदमी लॉज में खाना खाने गया ना, तो वहां लिखा था कि घर जैसा भोजन परोसेंगे, देखकर चला गया। मैनेजर ने पूछा भागे क्यों? बोले घर का भोजन तो उब गया, इसलिए यहां आया हूं। और यहां फिर बोर्ड लगा कि घर जैसा भोजन, तू खा के देख, मेरे साथ आकर देख कर। माताओं की बहुत जिम्मेवारी साहब है, हाँ, शुद्ध चेतना से रसोई बनाई जाए। अन्न ब्रह्म, इधर उधर की कुथली करते करते करोगे तो तुम्हारे बच्चे जो अन्न खाएंगे उनका चित्त विकृत होगा। बहुत संवार में नाश तो बनाओ ना, तो प्रभाती गाता गाता बनाओ, या तो कराग्रे वसते लक्ष्मी करमूले सरस्वती करमध्ये गोविंद प्रभाते करदर्शन स्तोत्र गान कर, ऐसा होना चाहिए। तो रसोया बेचारा गुनगुनाता था। एक शेठ आया महात्मा के दर्शन को, बड़ा धनी था, उसको भी संगीत में रुचि थी, जानकार था थोड़ा, सुनने में बहुत रुचि थी। कोई भी संगीतज्ञ राग छेड़े तो राग का नाम नहीं पहचानता था, लेकिन राग की मौज पूरी लेता था। नाम ना आया कि क्या गा रहा है, कौन सा राग है। कई लोग नाम गोतने में ही रह जाते हैं, मौज लूटी जाती है, मौज चली जाती है। ऐसा कई लोग मैंने देखे, राग छूटे ना तो एक दूसरे को दिखाने में रहते, माउलो निकली। राग का नाम आए समझ आए अच्छी बात है, लेकिन राग का नाम कई लोगों को पता नहीं होता है, मौज बहुत लेते, सही स्थान पर दाद देते हैं। राग का नाम का पता नहीं, रूप का पता नहीं। लेकिन संगीत सुनने में भी तो ये होता है ना कि हमको राग का पता ही, दूसरों को पता लगे। हाँ बोलो, खबर से तन खबर से। खुशी का नाम सुना था मगर खुशी न हुई, ऐसा है सब।
तो सेठ को राग में रुचि थी। महात्मा को कहा कि बाबा ये रसोईया है ना, बड़ा अच्छा गायक बन सकता, मैं पैसे दूंगा, सेवा करूंगा, कोई एक संगीत शिक्षक को बुला लो, और जब आश्रम में तो आप दो की रोटी बनती है, या तो कोई अतिथि आ गया तो काम पूरा हो जाए, तब वो संगीत की शिक्षा ले तो बड़ा संगीतज्ञ बन सकता है। और महात्मा के दिल में भी बात बैठ गई कि मेरा आश्रित के मन में जो कला पड़ी हो उसको विकसित करना मेरा कर्तव्य, मैं उसको रसोई में ही धुआं खाता रख दूं ये तो ठीक नहीं। बोले सेठ जी बात ठीक है, तो एक संगीत टीचर को रख दिया, वो उनको राग की शिक्षा देने लगा और ये तैयार होने लगा, पढ़ा तो था केवल विकसित करना था। एक साल में वो इतना रागों में तैयार हो गया संगीतज्ञ में, क्या बता। नवरात्रि में प्रोग्राम करवा मैंने, नवरात्रि स्टेज पर जाकर प्रोग्राम करने लगा, इतना तैयार हो, और बाबा भी छूट देने लगे कि नवरात्रि है तू जा बेटा, हाँ नवरात्रि में हम तो अनुष्ठान करते, यानी वो बाबा कि उपवास करते, ओ हो भाई मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो भोजन नहीं करते थे तो रसोई करने की बात नहीं थी, तो कहा तू प्रोग्राम कर, स्टेज प्रोग्राम कर, इसमें से तो बहुत आगे बढ़ा, लोगों में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी, ख्याति बढ़ी, और साल साल तक उसका बुकिंग चलने लगा, विदेश के निमंत्रण आने लगे, विदेश में जा जाकर प्रोग्राम देने लगा, और इतना फेमस हुआ कि 3 साल में 7-8 अवार्ड प्राप्त कर लिए संगीत के बारे में, इतना सही में आगे बढ़ गया सर। तब महात्मा ने कहा बेटा अब तू जाता है आता है, अब तूने तेरी कला में तेरी विद्या में विकास कर लिया, मैं नहीं चाहता कि तू आश्रम की 4 दीवारों में कैद हो, तू स्वतंत्र रह जा, तेरी विद्या को मैं स्वतंत्रता दे, तू जा प्रोग्राम। और फिर तो वो भाई घूमने लगा, कभी अमेरिका में हो, कभी कनाडा में हो, कभी यहाँ हो, कभी बस कभी इधर, बस चारों चारों और घूमता रहे। 5 साल में तो पद्म विभूषण हो गया, पद्म विभूषण की पदवी प्राप्त हो, पद्म विभूषण पद प्राप्त होने के बाद फिर याद आई वो बाबा का आशीर्वाद है, आश्रम में जाकर चरण छू, मैं प्रार्थना करूं किसी भी क्षेत्र में कितनी भी तरक्की हो लेकिन मूल को मत भूलिएगा, जहां से तरक्की हुई हो वहीं याद करके जाना। आया 5 साल के बाद विश्वविख्यात संगीतज्ञ बन करके, और बाबा अकेले एकांती आदमी थे, महात्मा को संग बहुत भीड़ भाड़ थे, एकांत में रहते थे, आया प्रणाम किया, बेटा तू, हाँ बाबा आपका आशीर्वाद, बेटा मैं तो सुन सुनकर आंखें भर जाती थी, अखबारों में तेरा नाम सुनता तो गदगद हो जाता था, दीर्घायु हो बेटे, सफल रहो और सफल रहो और सफल रहो। दोनों रो पड़े साहब, तब उस संगीतज्ञ ने कहा बाबा आज आश्रम में कोई नहीं, मैं रसोई बनाऊं, मूल को याद करना साहेब। अरे तू इतना बड़ा संगीतज्ञ, बोले नहीं आपका तो किंकर बना, अब वो रसोई बना रहा। योग ऐसा बना कि जिस सेठ ने महात्मा को कहा था कि उसके लिए संगीत टीचर रखो ये बहुत तरक्की करेगा, वही सेठ फिर उसी दिन आया, बैठा, आइए सेठ जी। बोले बाबा ये कौन गा रहा। बोले वो, अरे उनका नाम तो विश्व में विख्यात हो गया। तो सेठ ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा कि संगीत में इतनी तरक्की करने से पहले भी वो आपके यहां रसोई करता था और गुनगुनाता था, और आज विश्व विख्यात होकर भी रसोई करने लगा है और गीत गुनगुना रहा है, आप कुछ कहेंगे, कमेंट करें, कुछ बोलेंगे इसके बारे में। बोले हाँ, बहुत सुंदर जवाब दिया कि पहले
रसोया संगीत गा रहा था, आज बड़ा संगीतज्ञ रसोई कर रहा है। दिशा को बदलना ही दीक्षा है। पहले जीवन में संसार की प्रधानता और परमात्मा नीचे है। आदमी दीक्षित तभी समझो अब परमात्मा की प्रधानता और संसार। पहले रसोया संगीत गाता था, रसोई सामान्य विद्या है, संगीत जरा श्रेष्ठ विद्या है, लेकिन सामान्य वस्तु ऊपर थी, श्रेष्ठ वस्तु नीचे थी। अब संगीतज्ञ रसोई कर रहा है, श्रेष्ठता ऊपर और वो नीचे, दीक्षा उसको कहते हैं। जो निशम्य गीत अनंगवर्धन गीत था वो उद्गीत हो गया, दिशा बदली है। जो कामवर्धन गीत राम की प्राप्ति का सहयोगी बना, सीढ़ी बना, जो उपकरण, जो माध्यम, जो शब्द, जो घटना हमारी अधोगति को ऊर्ध्वगति की ओर प्रेषित करें, उसी घटना को मेरी व्यासपीठ दीक्षा कहती है। केवल छाप तिलक दीक्षा नहीं है साहब, सूफियों में तो छाप तिलक छीनने की बात कही, और निजामुद्दीन औलिया के पास जाकर अमीर खुसरो ने यही तो गाया था कि ए निजाम, ए मेरे आका, ए मेरे बाबा, छाप तिलक सब छीन ले उसे नैना लगाए, छाप तिलक सब छीन ले उसे नैना लगाए, छाप तिलक सब छीन ले उसे नैना खुशरो निजास बल बल जाऊं, खुशरो निजास बल बल जाऊं, मोहे सुहागन तो से नैना लगाए, मोहे सुहागन सच्चा दीक्षा देने वाला सदगुरु देता कम है छीन लेता ज्यादा है, देता कम है क्योंकि उनको देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कहेगा कि स्वयं दाता तेरे घर आया है, अब तुम्हें क्या देना बचा है, अब तो मैं जितना छीन पाऊं छीनूंगा। छाप तिलक दुपट्टा का अर्थ है द्वैत, इसी सदगुरु ने मेरा द्वैत छीन लिया और मुझे अद्वैत सिद्धि प्रदान कर दी। दुपट्टा मानी जिसमें दो है, द्वैत है जिसने मुझे अद्वैत में प्रवेश, इस गीत का ऐसा अर्थ करना। हमरी न मानो सिपैया से पूछो, हमरी न मानो सिपैया से पूछो। सिपैया माने रक्षा करने वाला, रक्षा करने वाला कौन है, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान ने सब छीन लिया, सभी द्वैत
हमरी न मानो सिपहिया से पूछो कबीरा खड़ा बाजार में यही न्याय है। दरिया में जीना दुपट्टा मेरा। मतलब इतना ही है बाप, सदगुरु देता कम है छीन लेता ज्यादा है। देता कम है का मतलब स्वयं खजाना जो है वो खुद उनको मिल गया सदगुरु के रूप में। अब तुझे जो चाहिए लेते रहना, मुझे देने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो छीनूंगा तेरा छाप तिलक, तेरा क्रिया कर्म, तेरा ये शुष्क कर्मकांड, तेरा ये तेरे ये अंधश्रद्धाएं, तेरे चमत्कार, तेरे ये सब जिसमें तू उलझा है, इनमें से तुम्हें मुक्त करूंगा, ये सदगुरु का। इसलिए तो कृष्ण ने गोपियों को सबसे मुक्त करवा करके निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, छोड़ा धर्म, छोड़ा अर्थ, छोड़ा काम, उसी को मेरी व्यासपीठ दीक्षा कहती है। मेरे भाई बहन, तो गीत उद्गीत बन जाए। हरि सबकी गति जानता है, हम थोड़ा थोड़ा उनको जानने लगे। पूरा तो वही जान सकता है, सो जा नहीं जेही देह जनाई, जानत तुम ही तुम ही वही जाने। तो क वाले जानते हैं, जितने क अक्षर वाले हैं वो ज़्यादा जानते हैं। आपको कुछ याद आए तो कल याद दिलाना, मुझे कुछ याद आएगा तो कल फिर क की कथा करेंगे थोड़ी बहुत। आज तो यहाँ ही विराम दूँ, लेकिन यहाँ से उठे इससे पहले एक दो मिनट के लिए, क्योंकि हरि नाम के बिना कथा का भोजन भगवान कबूल नहीं करता। कदाए तो छप कथा तो छप्पन भोग है, कुछ भी उसमें परोसा जाए, लेकिन हरि नाम तुलसी पत्र है। जब तक प्रभु का नाम ना आए तब तक भगवान को कथा का भोग मंजूर नहीं। इसलिए कथा का भोग प्रभु कबूल करे, इसलिए कुछ क्षणों के लिए हरि नाम का संकीर्तन करे भाव से भीतर से। हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि बोल हरि शरणम 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 हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि
हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम आज की कथा यहाँ विराम ले रही है। कल सुबह 9:30 बजे फिर भगवत चर्चा। भाव से बोलिए राम चंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। सदगुरु भगवान नमः पार।
पार्वती पतये हर हर महादेव। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति दी ज्ञान थारी। आरती पुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारसमय कल लीला रति रस रस निहार। आरती पावन पुराण परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रस हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुहासिनी कथा मुक्ति जुमती की दरलोग भव मूर्यमी की तात मात सब विधि तुलसी की। आरती अति पावनी की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की आरती अति पावन। रघुपति मंच पर से सभी भाई बहन नीचे पधारे।